had a death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Dying alone. I lost my best friend. गाइस आप सबको स्वागत है टक गेमिंग चैनल में। टक गेमिंग बनाए पुलिस वाला जस्ट हमको यूनिफॉर्म ले कहां से दैट बट लाइक लेट मी टेल माय लाइक सीनियर ऑफिसर वहां पे जॉन मार्टिन खड़े हैं अंदर। सर आई डोंट हैव एनी लेटर्स। हमको थोड़ा सा रोक इसीलिए सर वीक बोलते हैं यार पीडी को यहां पे इसीलिए। ये देखें ना आप क्या गुंडा कर दिए पीडीएम वालों के 3 दिन से। आपने न्यूज़ देखी थी आज सर? हां सर देखिए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में आपको मालूम पड़ा था? हाँ मालूम पड़ा हुए हो। अब आप बताइए इन पीडीएम वालों का हम क्या करें? उनको हम करेंगे उनके सरी रे हो। अरे आने दो उनको अंदर। इधर भेजो मेरे पास। ओके ऑफिसर गेट खोलिए रिपोर्टर है और मेरे को इनका आईडी चाहिए जो ये कर रहे हैं। गेट लॉक था राइट नाउ। आईडी चाहिए मुझे सर। मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे। कौन यहाँ पे थ्रेट कर रहे हो? लाइक वो बैट लेके आ रहे हैं ये जो गाड़ी तोड़ रहे हैं और डॉक्टर को ऑनड्यूटी डॉक्टर को थ्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर को थ्रेट कर रहे हैं वो। ये देखिए बैट निकाल लिया फिर से लीथल। एंड ही विक में की ही इज आस्किंग फॉर द सीनियर एंड उनको लाइक वो बहुत अलग टोन से बात कर रहे थे। कौन अलग टोन से बात कर रहे हैं? ये इसका बैट जस्ट ट्रीट हिम। ये कपड़े वाले ये वाले सर? हां ये कोट में जो रंगी बिरंगे वो। ओके डॉक्टर साहब आप अंदर आ जाइए। डॉक्टर शिव जी अंदर जाओ। आपको अंदर बुलाया। गेट इन सर मैं खोलूं क्या डोर बैट से? हां सर आप खोलो सर आपको हम अंदर लेके जाएंगे सर। हुई थी डॉक्टर ओपन द गेट डॉक्टर। डोंट लेट हिम गो आउट। ओके आई वांट हिम बिहाइंड द बार्स। ओपन द गेट। वन मिनट यस एस्कॉर्ट मी टेल हिम। ऑफिसर इनको उनके ये दे दो। अबे उसको पकड़ बे भैंस क्या भाई। अभी सभी के सभी जो न्यू रिक्रूट रहे उनको रेडियो और एक ट्रेजर कोई दिला सकता है? मेरे को धक्का मार के अंदर लेके जा रहे कितने बार। आप एक काम करो अरे खोलो भाई दरवाजा। किसी को भी जाने मत देना लेकिन अभी के लिए। किसके पास रेडियो नहीं है? चार्ली विंस। ओके 3 रेडियो और 4-5 टेजर। ओके लेके आता हूं। मैं भी आ रहा हूं नीचे। आ जाओ डॉक्टर यहां पे रुकना उनके साथ। ओके अब ये डोर लॉक कर।
आपके ऑफिसर की गवाही है, वहाँ चार लोग हैं, चार ऑफिसर्स हैं। कहाँ पे हो? आपके ऑफिसर्स को बुलाइए जी, ये रहिए, देखिए इनसे पूछिए। सर बाहर है, बाहर हमारे पास। इन सर ने देखा है उनको मेरी गाड़ी तोड़ते हुए, मेरे को वर्बली अब्यूज करते हुए। ये देखिए ये सर पे तो उसका कुछ, मेरा पीडीएम दो दो दिन के लिए। मार्टिन जी खड़े हो जाओ। सिम्बा जी ये बहुत गलत कर रहा है, मैं मेरे भाई को बोलने वाला, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। सिम्बा एक बात बताओ, मुझे अच्छे से बताओ अभी। जिम करे मार्टिन जी। बोलिए सिम्बा जी, वो अंदर रखो सबसे पहले। और कुछ आपको ये मार रहे और ये पीढ़ी के अंदर बंद कर रहे हैं, ऐसे कुछ बोला था आपने? ये सही है सिम्बा जी, सैल्यूट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अभी जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र सर। ये अभी मैं भारत था, मैं इनके गाड़ी को नुकसान कर रहा था, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ, मैंने किया था वो इनके गाड़ी को। पर सर ये मेरे को टेजर मार रहे थे सर, ये मेरे को टेजर मार रहे थे सर, चलते गाड़ी पे टेजर मार। और इन्होंने मैं बोला कि तुम मिल भारत को दिखाता हूँ। प्रूफ क्या है आपके पास? हाँ तो आपके पास कौन सा प्रूफ है? मेरे पास प्रूफ है, चार ऑफिसर, चार ऑफिसर खड़े हैं और वहाँ पे एक बंदा बैठा है सर। राइट नाउ सब झूठ बोल रहे हैं, आप ही सच है। सिर्फ पूछिए इनसे, सर से पूछिए। सर योर नेम? सर ये वो डंडा मार के गाड़ी को तोड़ के और बाइक लेके भाग रहा था। और उनसे पूछिए बाहर, वो ब्लैक में जो खड़े बैठे हैं, जो ब्लैक शर्ट पहन के। सर सुनिए सर, सर सर ही इज आल्सो अबिसिंग। मैं और क्या कहूं सिम्बा सर, आप पानी सर के ऊपर जा चुके हैं सर। मार्टिन जी आपके खिलाफ बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, आप ही बता दीजिए। आप कुछ कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे सिविलियन हो आप, पीडीएम ओन करते हो, आपको शायद से आपका पीडीएम अच्छा से ये नहीं चाहिए, चलता हुआ दिख रहा नहीं चाहिए। कम है मैं आपके हाथ जोर से मानता हूं, जो कल पीडीएम में इंसिडेंट हुआ, डॉक्टर जी ने सीधा बोल दिया कि पीडीएम की गलती, पर ये किसी ने नहीं देखा। जब डॉक्टर पीडीएम में था तभी वो गाड़ी फटी थी सब, तो इसके पीछे किसका हाथ है? विजन न्यूज़ ने बोल दिया पीडीएम के ओनर की, उसका सर मेरे को लॉस हुआ 3.2। अरे सर इतने सारे लोग है मेरे पास, 3-4 से लोगों ने कम्प्लेंट की है, डॉक्टर ने भी कम्प्लेंट की है, और वो विजन न्यूज वाले भी न्यूज बना के अखबार में छाप रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इंक्वायरी नहीं सुनो, अब चिल्ला के बोलो, थोड़ा चिल्ला से जोर से बोलो, जोर से बोलो सर। सिर्फ इनके वजह से हुआ, सब इनके वजह से। इन्होंने नहीं किया रहता, पीछे कुछ कुछ रीजन तो होगा ना। लिसन 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 सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये देखो ये देखो, आप सबसे पहले पीडीएम पे जाओ, मैं वहाँ पे अब सेफ्टी रीजन चेक करने के लिए अब भी आ रहा हूँ। मैं ये रिक्रूट को ये करके मैं आपके साथ चलता हूँ, कोई दिक्कत। अगर वहाँ पे सेफ्टी मुझे थोड़ा से भी कम लगी तो देखो मैं आपका पीडीएम दो दिनों के लिए मैं बंद कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर ये बात गलत हुई तो इस डॉक्टर के खिलाफ कुछ तो होना चाहिए सर। आई वांट हिम बिहाइंड द बार्स। मेरे पे चार लोग तुम्हारे पास इधर सामान दे थोड़ी देर बाद आ रहा हूं। आप अरे सर आपने नहीं नहीं ले 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 जा एक मिनट एक हिंदी में बोलिए, बार भी मेरे को समझ नहीं आता, मेरे पास चॉकलेट बार है, रुक इनको। तुम तो कल इंग्लिश में बात कर रहे थे मार्टिन जी। यस आई एम फ्रॉम यूगांडा। आई एम ट्रेलर इंग्लिश बट विद दिस नॉनसेंस पर्सन आई डोंट टॉक इन इंग्लिश। फालतू बातों के लिए मेरे पास क्लिक करके ले लो। अगर वापस भी किसी के पास अगर नहीं मिलता है, रेडियो नहीं रहता है, तो मेरे को बता दो और रेडियो वन ज्वाइन कर लो। ये सर ये देखो, मैंने इनका हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सामान रखा है, वो ले लेना। ओके तो मेरे को नहीं दिख रहे सामान। ऑफिसर गेट खोल दो पीडी के। गेट क्यों बंद रखा है किसी ने? मेरे को भी नहीं, रेडियो लेना भूल गया मैं। चेक करता हूँ सर, मैं बताता हूँ। नहीं है सर, नहीं दिस गायब झाला।
बड़ी डॉक्टर है सर पानी नहीं है खाना है खाना दे आप फॉरएवर नाम बताइए आपने क्या बोला जी ठीक है आप एक कैप नहीं पहनना है भाई अरे सर वो टीजर दे दो नहीं और नेक्स्ट वीक मेरे पास भी नहीं है वीक में किस सरकार पे गए पता नहीं ओ भाई साहब हमको नहीं मिला कॉप्स क्या कर रहे मैं को एक ही बात है कि सर ये जो है एक सुना मेरे को दो ना वो लिटल्स अरे जहां पे इंटरव्यू लिया था उसके पीछे वाले साइड पे ओके 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 मेरे पीडीएम के अंदर आए थे ना और 10 मिनट बाद चल चले गए थे मेरे से बात कर सर उसी के कौन सी एक है वो मेरे इधर है पता नहीं आ जा जल्दी उधर मिलता है क्या हमारा हां इधर सुन टेजर हां उसके बाद में वो नाइट स्टिक लाइट रुको 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 ये उठा ले टेजर नाइट स्टिक एंड कप कितना एक दो एक एक फ्लैशलाइट एक और टेजर ले लिया टेजर ले ली और ये है ना रेडियो है ना रेडियो है चलो ओके सर आपने भी हो गया ना आपका सब हो गया बस कार्ड्स बता दीजिए आते वक्त क्लॉक क्या है कैंटीन का पे हां वो मेरे को भी पता नहीं है वो पूछते हैं तो सुनो वॉकिंग जो करते हो ना एकदम ब्रेव वाली करते हो उसमें आप थकोगे नहीं उसमें से आपका नाम खुद देख आ जाओ कौन खोला आप खोलो नहीं खोल ना खोलो कौन कौन सी गाड़ी निकाल सकते एक ही गाड़ी निकाल सकते क्या ये बाइक दिख रही है मेरे को गैराज बाइक नहीं वो साइकिल है आप चेक कर लीजिए दो ही गाड़ी सिर्फ हां बाइक नहीं साइकिल है बस चलो को जरा देख लेते हैं हां देख रहे हैं अबे वाह ये भी आ रहा है ये कैसे बजाने का सायरन हां रुको रुको बताता हूं सबको हां सुन हां
F1 दबा, F मसल दबाएगा तो वहाँ पे व्हीकल्स आएगा, क्या व्हीकल्स F1 मसल में, उसके बाद में व्हीकल एक्स्ट्रास और 1 से 12 तक सारे चालू करने के लिए, मतलब एक के ऊपर दबा एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा 2 ऐसे सारे चालू कर दे 12 तक, 12 तक कर दिया, हो गया 12। ऑफिसर 10 फॉर सर, हाउ मेनी ऑफिसर आर रिमेनिंग सर? जितने आज सुबह से आए थे उनका तो हो गया, मैंने नोट भी कर लिया है कौन कौन था अभी। ठीक है, अभी सभी के सभी ऑफिसर को लेके आप यहाँ पे आ जाओ। चल ऊपर। ओके चल। गाइस जो भी ऑफिसर रेडियो पे प्लीज अंदर आ जाइए। टेंपो कमिंग। वेयर कैप्टन केबिन ना? कैप्टन नहीं, यहाँ पे लुक लुक। यस। जहाँ पे हमने फॉर्म भरे थे वहाँ पे आ जाओ। सर आई गेस आपको सार्जेंट का तरह चेंज करना पड़ेगा। हाँ राजू। यस यस। ओके आप यहाँ पे बैठ रहे हो क्या? ठीक है। हाँ बोलो। गाइस आई थिंक अपने को बैठने को बोला नहीं किसी ने। ओके जॉब देखो आपका क्या है, तो रेडियो वन पे देखो ज्वाइन कर लो, रेडियो निकालो वहाँ पे एंड करने का रहेगा देखो बटन। हाँ फिर से अभी कनेक्ट करो। ज्वाइन किया ना रेडियो? चलिए पानी देना, खाना पानी। अरे मेरे को नहीं, मेरे को कैंटीन में जाना है, किधर है मालूम नहीं। सबको कुछ रेडियो ज्वाइन कर लेते, खाना पानी आ जाओ सर। आपने रेडियो ज्वाइन कर लिया देखो आप? हाँ हाँ हाँ, मैं सब आपको सबको ट्रेनिंग दे दूंगा बाद में, लेकिन आ जाओ अभी, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। शमशेर जी ज्वाइन कर दो। आपने आपने रेडियो ज्वाइन कर दिया? एक कोई ऑफिसर रेडियो लेके आओ, एक या दो जिनके पास नहीं उनको दे दो। सर इधर अंदर जो है सबको स्टफ्स मिल गए, इनको दे दीजिए। ओके राजू ऑन टॉप भाई, साथ काम नहीं अपना। चेंजेस होने वाली है राजू ऑन टॉप, तो उस रिगार्डिंग में आपकी भी हेल्प चाहिए हमें। ये मैं एक्चुअली मेरे को सुनने में आया कि आप ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये एक्चुअली आई गॉट न्यूज फ्रॉम माई फ्रेंड कि यहाँ पे लोग पीडी को मान नहीं रहे, मीन्स दे आर टेकिंग वेरी लाइटली एज मतलब ऑफिसर्स हैं बट लोग मान नहीं रहे हैं। जैसे अभी हुआ जो बंदा आके बैट वैट निकाल के जो सीन कर रहा था, वो होना नहीं चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली ही शुड हैव फियर दैट हाँ पीडी को अरेस्ट कर सकती है। भाई बंदों का नहीं बोली जो है। बैठ जाओ सब। ओके सभी ऑफिसर आ जाओ। हेलो बोलो। आप सीधे जेल में चले जाओगे। अभी मैं थोड़ा सा मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, अब भी आ रहा हूँ, मैं अब भी मीटिंग खत्म करके अब भी आ रहा। आ रहा हूँ। उसी बंदे का फोन था अभी, क्या बोले वो बंदा अलग ही टाइप का हो रहा है।
आपको मेरा सबको आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, कम आ रहा है पर बात ठीक है, मैं रेडियो पे बोल लेता हूँ फिर आपको आवाज आएगा पूरा। ठीक है, आज से आप ट्रूपर ट्रेनी हो, मतलब प्रोबेशन पीरियड पे हो। आज से आप जो कुछ भी करोगे आप पीडी को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? अगर कुछ भी गलत हो जाए आपके हाथ से तो आप वही के वही आप फायर हो जाओगे, ठीक है? और आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग मिल जाएगी एक पीडी ऑफिसर कैसे हो आप, इसके बारे में हम पूरी तरह देखेंगे। आपकी ट्रेनिंग कब होगी? आपको एसएसपी के अपने इसमें मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है? Yes. और आज आज जितने भी लोगों के इंटरव्यूज और ये सब हुए हो चुके हैं, आप मुझे पर्सनल में ईमेल पे डीएम करो विद अपने नाम के साथ, आपको कॉल साइंस ये सब असाइन करनी होगी मुझे। और आप कोई भी सिचुएशन में अभी ये मत करना, इन्वॉल्व मत होना जब तक कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए। Yes, yes. सर, कुछ बोलेंगे? मेल पर नाम वही चीज़ है, जैसे कि आपको मतलब आपको शायद आइडिया आ जाएगा कि जैक डेविस भी यहाँ पे है पीटी डिपार्टमेंट में। ही इज मतलब ओके मतलब वो अच्छे ऑफिसर्स हैं एफटीओ के बारे में, सही ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको शायद आई गेस वही ट्रेनिंग करेंगे आपके। एंड दैट्स ऑल, सिटी में कैसे पीस मेंटेन करवाना है आपको डिसाइड करना है आपके हिसाब से, और कुछ नहीं बोलूँगा। चलो ठीक है, अभी अभी के लिए ये सब ओवर हो रहा है। अभी अपन एक काम करो, तुम सब दो दो के पेयर में, दो नहीं, अभी ये काम करो, सर के साथ कोई तीन बंदे इस पे कोडन पे जाओ और मेरे साथ तीन बंदे आ जाओ। ओके सर। पीडी के बाहर जो कोई बैठा है देखो भाई उनका क्या सिचुएशन क्या है, देख लो एक बार। ओके okay. अरे डिपार्टमेंट आ गए, डिपार्टमेंट आ गए ऑफिसर। यस यस डॉक्टर मारने की धमकी दे रहा, बोल रहे अभी काट के फेंकूंगा इधर ही, ये वाला दे वाला देखो कौन डॉक्टर। सर सर उनके हाथ में गायब है, वो मुझे मार रहे बाहर पीडी के सामने, ये क्या कर रहे? ऑफिसर जी है बस में। हाँ बोलो। अरे एक किडनैप हो गया है, इसको जा रहा देखो क्या हुआ है, क्या हुआ है, मैसेज क्या है, किडनैप हो गया। किसको? ज्यादा बोल रहे, मेरा दोस्त एक गणपत गए तो उनके किडनैप हो गया। हाँ उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि मुझे किडनैप कर दिया। अच्छा, किडनैपर का नाम भी भेजा है साथ में। क्या नाम है? एक मिनट देखता हूँ। डॉक्टर से क्या कर रहे हो, आपको शोभा देता है ये सब, क्या बात ही कर रहे हो आप? सर वो मार्टिन साहब हमें मार रहे हैं बाहर, सर चाकू मार रहे हैं पीड़ी के सामने, हमने ऐसे थोड़ी ना सकता है। तुम्हारी गाड़ी के अंदर ऐसे वाइट वाइट क्या क्या दिख, अरे कांच फोड़ दीजिए। अरे वो सीट कवर है सर, आपको पीडीएम में आओ, मैं आपको गाड़ी ठीक करके दूं। ओ हेलो सर, के बाल रंगे बिरंगे हो गए। मैं थोड़ा सा हाईलाइट रुको और एक बात करनी है। तीन ऑफिसर आ जाओ, सर्जन आप भी आ जाओ, पुलिस वाले से रुक के थोड़ी बात करनी है। आइए सर इन्हीं के गाड़ी में। अरे आपसे आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है ड्रेडलॉक जी, हम आ सकते हैं? आइए गाड़ी पे, आइए गाड़ी। ट्रूपर्स आप में से कोई भी दो दो ट्रूपर यहां पे रुको और बाकी सब आ जाओ। ओके एनफोर्सर डिस्पैच हमें 10 टू 10 फॉर सर्जन, आप जल्दी से आ जाओ कोई सिचुएशन। मैं चला उठे गाड़ी, रुक मैं निकाल रहा। अरे सुन, हाँ अभी अब सुनो सुनो, मैं तुमको ट्रेनिंग देता हूँ थोड़ा, गाड़ी निकाल चाबी तुझे, गाड़ी करे फूटा आगे ले गाड़ी तेरी मेरे को दे दी। बस बस रुक, मैं बताता हूँ कैसे बजाता।
सार्जन सर फॉलो करो ट्रैकर को, कोई किडनैपिंग होस्टेज सिचुएशन आई है। ओके ओके डन फॉर कमिंग। ये सारे के सारे ऑन करके आ रहा था व्हीकल एक्सट्रैक्ट। गाड़ी लगा दे अभी जल्दी अटकला, तेरी गाड़ी लगाते पहले सर। ऑफिसर्स प्लीज गाड़ी को सेट कर लो। हाँ सर मैंने लिया है। चलो सर। सर सायरन रह गया एक्स्ट्रा वन। क्या भाई वापस से लगा लो। कौनता मॉड? अरे मॉड बिट का है ना भैया, प्लस आ जाए सकता। आई थिंक इसके हां यहां पे मॉड बिट का है ना आपला, आपला साधा है डिटेलच। सर कॉल दो जेपी कॉल दो। डिस्पैच टीटी 911 प्लस 3 रिस्पोंडिंग योर कॉल। मार करियो उनके ट्रैकर में, के ट्रैकर में मार करियो। गाड़ियों का है ना थोड़ा स्पीड का काम मैकेनिक को बोल के करवाना पड़ेगा। बहुत स्लो है गाड़ी, क्या है ना। हाँ बहुत स्लो भी है और जो लोकल की गाड़ी है ना भागती, वो भागती है अपनी गाड़ी से। सर यू नो सुल्तान 140 इजीली टच करती है। नहीं नहीं इसका जो अपडेटेड मॉडल है वो इंपोर्ट करवा देंगे मेरे पास। सर आपने आपने ये नोट किया अपनी गाड़ियों को लाल लाइट नहीं लग रही है आजकल? सिग्नल सिग्नल गाड़ी लेके भाग रहे हो। ओके पीछा करना है कि ओके इनको इनको लेके चलो। कहाँ पे ऑफिसर? दो ऑफिसर यहाँ पे जो नीचे मेरे गाड़ी में बैठे। ओके ओके फाइन फाइन। सर ये बेहोश हो गए। अरे गाड़ी तो बहुत हेवी है। अरे हेवी, अरे बहुत बहुत पलट रही है तो कर को वो दूसरी गाड़ी से स्पीड बहुत कम है। प्रसाद यहीं पे अपने सर ऊपर गए अपने सोलो सर और यहाँ पे खड़े। वन पर्सन इज नाइस थैंक सो अनकॉन्शियस। तो डाल इनको गाड़ी में। सर अरे मेरा दोस्त नहीं है पर ये मेरा आपका दोस्त नहीं है। ये आपके दोस्त हैं सर? ये आपके दोस्त हैं? नहीं दूसरे दूसरे, इनका नाम देखो ना क्या है पहले। सर वन कार यूनिट फॉलो कर रही है, कुछ लोग भाग गए यहाँ से। ओके उनको फॉलो कर। ओके सिंबा सर आपके पास
मैक्सिमम मिनट्स है मतलब क्या ऑफिसर्स है या फिर बैकअप टेन फोर टेन फोर टेन फोर ओके ओके वैसे सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम है धनाज। आपके आईडी कार्ड दिखा सकते हैं? पानी पीने का सर शैल आई कॉल यूएमएस। नीचे गाड़ी स्टार्ट हो गई सर। ये पे हो गई सर। ऑफिसर्स कॉल आउट ठीक से मॉनिटर ला सिग्नल नाही जात पीसी मधून काय बोलतोस कोणता माझा तुझा मिले क्या सर इधर ही भागे सब लोग। तुम्हारा दोस्त है क्या? कौन? हाँ वो मेरा ही दोस्त है। हाँ चॉपर किसका है? सर विजल न्यूज़ का भी हो सकता है जो शहर में। भाई विजल न्यूज़ तो बहुत फास्ट है भाई। रुको मैं कॉल करता हूँ। आप पीडी टू ईएमएस रेडियो नंबर 2 है ना राइट? यप। सिंपल सर इज नॉट गुड और यू नीड माजा रे काला काला फिर बिसला। वी हैव वन सिस्टम होस्टेज इज सिक्योर। सर विजल न्यूज का नहीं उसको कॉल करके पूछा मैं विजल न्यूज का चॉपर नहीं है वो। I think he is a local one. Or maybe. Yep. ये कौन है? मतलब ये involved है क्या? Which one sir? Sir, do you require any additional? सुनो गाड़ी किसके नाम पे चेक करो फोटोज दे दे यहां से दिए बाय सर आप भी कर लो हमको आ जाओ ऐसे करते हैं। विजुअल न्यूज़ सॉरी ईएमएस को कितना टाइम लगेगा आईडिया नाइस सर डिस्कशन में अटेंड टू सर ये मैं वीडियो पे कॉल दिया आपने हां व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एडिशनल सर एक मिनट मैं सिचुएशन फोटो दे रहा पेन कोई इनको हाथ में लगाई साइड पे दूसरी वाली ये कौन है वो आगे वाले अब विजन न्यूज़ है सर नहीं नहीं उनके आगे वो कैप्चर किया गया है एक सर आपका नाम क्या है डैनी डैनी का यहां पर आप देख लेके आओ बुला रहे आपको हमारे से इधर आइए डैनी सर आ जाइए सर गणपत जी को देखो पानी भी नहीं कुछ चाहिए देखो कुछ हुआ तो नहीं सर आई थिंक वी शुड टेक हिम टू हॉस्पिटल अदरवाइज बहुत सीन हो सकता है। हां ठीक है गाड़ी में बिठा लो आप। आपका नाम क्या सर? सर डैनी बिठा लीजिए जी। बोलिए ना सर। अरे तुम यहां पे क्या कर रहे हो? अरे यही तो जा रहा था ऊपर अभी गाड़ी भी गई। क्यों ये सेम क्लोथिंग पहने हुए बंदे कुछ ऊपर जा रहे थे यहां पे अभी ये इनको ओके आई नीड टू ऑन ये जरा था 10 फॉर सर
खाली खाली सर गाड़ी में रखा है उसको आज मतलब कुछ किस काम से आए थे आप यहां पे एक काम करो ऑफिसर के गाड़ी में बैठ जाओ जी जी ठीक है ऑफिसर आपकी गाड़ी में जगह है उनके साथ दो लोग चले जाओ और एडिशनल ये हमारी गाड़ी में आ जाइए एक बैकअप ऑफिसर है सर ये गाड़ी का क्या करना है बैठिए सारे ऑफिसर गाड़ी में बैठो डैनी जी आपको आपकी गाड़ी में आना पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सस्पेक्ट को गाड़ी में बैठा रहा हूं ठीक है ठीक है हां गाड़ी में अरे सर जगह है डैनी सर आ जाएंगे पीछे जन बैठ सकते हैं सार्जेंट जी शायद से ईएमएस आई थी आप चॉपर किसका घूम रहा है सर ईएमएस अरे अभी हम आपकी राह देख के वो निकल गए हां बोलो ये गाड़ी लेके आओ क्या पेट्रोल भरा के देखो आपकी होगी तो लेके आओ अब इससे कह तो रहा अब हमें बता पाएंगे कौन है इधर अपना हट के बात अच्छा क्या ना कि मैं अभी आ रहा था काफी टाइम लग गया ट्रैफिक का थोड़ा इसलिए मैं बाइक लेके आया था कोई नहीं सर हमारे ऑफिसर अभी गाड़ी में लेके गए उनको आप एक काम करो कि वहां पे हॉस्पिटल पे जाके उनको ट्रीट करो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस प्लीज डोंट डू दिस बिकॉज़ सर गाड़ी मुफासा खान की है जी 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 हां हमें टाइम लग जाए प्लीज डोंट डू दिस अगेन थैंक यू जी जी सर अरे सर वो गाड़ी लेके भाग रहा है क्योंकि जैसे सर ने बताया था कि उनको सरप्राइज होगा आप देखते बैठो सर आप दोनों भी गाड़ी में बैठो ऑफिसर सब गाड़ी में हां देखो हमें जगह नहीं है सर क्या सर इमरजेंसी व्हीकल लेके आएंगे हां मैं बाद में बात करता हूं 2 मिनट सर ट्रंक खोल दे ट्रंक में आ जाएंगे ये हां ट्रंक में बैठ जाएंगे वी आर इन हॉस्पिटल दिस इज टीएफ 876 टू पिल बॉक्स टेंपर सब सीट बेल्ट बांध लो अरे हम पीडी के ऊपर जाके पीडी पे बात ये जो अभी थे ना वो भी थे आप जांच करने के आए थे नंबर जी देख अरे मैं अस्पताल में था पर क्या हुआ ना कि वो जो अभी यहां पे गिरे थे ना बेहोश थे हां तो वो गलती से वो मुफासा जी के गाड़ी में बैठ गए और फिर उनके साथ जो बंदे थे और वो सब बोलने लगे कि आप हमारे गाड़ी में कैसे बैठे और फिर उन्होंने हमें किडनैप कर लिया और पेट्रोल डाला आजू-बाजू में और लाइटर लेके खड़े थे ये सर हम पीडी जाके बात करते हैं सिंगम जी आप जो पर्सन है उनको लेके पीडी पे आओ सर डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल हियर सो हाउ कैन वी डॉक्टर इज अवेलेबल बट ही इज नॉट ट्रीटिंग ही जस्ट डोंट गिव अ शिट टू अस सिंपल हां सर वो यहां अब तक आए ना लेकिन उसकी वजह से उनका थोड़ा सा ये हो गया आप सॉरी बोल के उन्हें रिक्वेस्ट कर कीजिए सर ये बीच वाले गेट से इन दोनों को ऊपर लेके जाओ यस सर
चलो आ जाइए। On dispatch, TT911 going 1042. 10-4. Have a nice day. Thank you, sir. Sir, can I get a vehicle at pillbox? Samshir Baba, no, वहाँ पे. Sorry. Sergeant, sir. Sergeant, sir. जी बोलिए बोलिए. हाँ, sergeant sir उनको pick up की. Yeah, 10-4, sir. I got him. Lock kya hai darwaja? Dispatch, this is Officer Singham going to 1019 with the suspect. Interrogation room se aana padega. TF 876 to 9. Ek kaam kariye, aap dono interrogation room mein aa jaiye. Chaliye niche. यहाँ पर रिसेप्शन में नहीं कर सकते ना। यस, इंटरोगेशन रूम में। कैडेट्स, वो दो दो कहाँ पे? सर, इंटरोगेशन रूम में ला रहे हैं। आपको इंटरोगेशन रूम पता है कहाँ पे? यस यस। हेलो। यस मैम। हाँ जी। डिस्पैच, सिंबा सर, ही इज सेलिंग दैट कोई बंडिया मामा था सस्पेक्ट, ओके, एंड ही इज आल्सो सेइंग दैट डैनी भी था। ऑफिसर्स इधर, ऑफिसर इनको सेपरेट इंटरोगेशन रूम में ले जाइएगा। टेन फॉर सर। मैडम जी, आपको पता है वो क्या कर रहा है यहाँ पे? आई गेस डैनी नाम का बंदा अभी इंटरोगेशन रूम में ही है। नहीं नहीं, उसको भी लेके आओ। मैडम जी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, मैं बाद में कॉल करता हूँ मैडम। हेलो, उधर उधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर 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 जाइए, अंदर जाइए, अंदर जाइए। ऑफिसर शौकीन? यस सर। 20 ठीक है। आप दोनों वन बाय वन मेरे को नाम बताओ आपने। सर, धनाजी डामदारे। हेलो सर। हेलो। हाँ, आपका नाम? धनाजी डामदारे। यस। और आपका नाम क्या? गणपत। गणपत गायतोंडे उनका नाम। ऑफिसर, मेरे पीछे जो खड़े हैं, नोट डाउन कर लो सब। हेलो ऑफिसर। ओके ओके। रिपोर्ट बनानी है आपको, तो आप सब ए टू जेड रिपोर्ट सब ये करोगे, ठीक है? हाँ, मेरे को आप वन बाय वन, आप यहाँ पे आ गए हो थोड़ा। नाम बोलो दोनों का। ब्लैक शर्ट गणपति जी। गणपत जी, गणपत जी, मेरे को एक बात बताओ, आप थोड़ा पीछे हो जाओ सर। ऑरेंज हुडी गणपत गाइड, पूरा डिटेल में बताओ आपके साथ क्या क्या हुआ। सर, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ। थोड़ा सा लाउडली बोलो। सर, हुआ ये कि मैं जस्ट आया था अपना पार्किंग में, लीजन पार्किंग, और फिर एक बंदा था, उसके दोस्त को चोट लग गई थी, तो उनको मैं अस्पताल छोड़ने यहाँ गया था हॉस्पिटल में। ओके। और फिर हम अस्पताल से बाहर आए तो गलती से जो मेरे साथ थे
उनका नाम नहीं बताया पता, तो वो जो मुफासा जी की गाड़ी है उन उसके अंदर बैठ गए, और फिर वो बंडे मामा बोलने लगे कि आप गाड़ी में कैसे बैठे, फिर सब फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे शायद 5-6 जन थे, और वो बोलने लगे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितने लोग थे पर 6 जन थे शायद, तो फिर वो बोलने लगे आप अंदर कैसे बैठे, और वहाँ पे हमारा कीमती लैपटॉप था फिर वो चोरी हो गया। मैंने ये बात तो एकदम गलत है ना, कोई बैठेगा और लैपटॉप चोरी हो जाएगा, यानी एकदम फिक्शनल बातें कर रहे थे। और फिर उन्हें बाहर निकाला गाड़ी से और फिर बोलने लगे कि जल्दी हमें पैसे दो, 2000 तुम्हारे, और मैं उन्हें बोला कि सर इन्हें छोड़ दीजिए, तो वो बोलने लगे कि आप इनके दोस्त हो ना तो आइए आप भी आइए, फिर हमको गाड़ी में बिठाए उन्होंने, और फिर कुल्हाड़ी निकाल के डरा रहे थे धमका रहे थे गाड़ी में। तो मैंने चुपके से धना जी को मैसेज किया कि धना जी मुझे बचाने आइए, मुफासा जी ने मुझे पकड़ लिया है, उनके आदमी थे। और फिर धना जी को मैंने लास्ट लोकेशन भेजी जहाँ पे वो हमें उन्होंने हमें रुकाया, और फिर वो हमें एक वो इसके तरफ लेके गए टावर के कंट्रोल पैनल के तरफ, और वहाँ पे हमें बोले कि पीछे मुड़ के खड़े हो जाओ और जल्दी से पैसे दो, नहीं तो हम तुम्हें कुल्हाड़ी से मार देंगे। और वहाँ पे उन्होंने पेट्रोल भी डाला, और एक बंदा उनका हाथ में लाइटर लेके खड़ा था। ओके हाँ, मतलब उसी समय अपने को मिले। यस यस यस। और फिर और आपको आपने आपके कितने पैसे लिए उन लोगों ने? 234। मेरे पास कैश ज्यादा नहीं था तो वो बोले जितने हैं आपके पास दे दो, पर जो मेरे साथ बंदा था वो उसके पहले वो दे रहा था, वो 2000 दे रहा था, उसके पास कैश था। जी जी जी, गलती से उनका धक्का लग गया मुफासा जी को, क्योंकि वो एकदम क्लोज खड़े थे ना, तो गलती से धक्का लग गया, तो डैनी जी ने उनको ये कर दिया, यानी धक्का मार के उनको बेहोश कर दिया, वो डायरेक्ट जहाँ वो पोल था उस पे जाके उनका सर ये हो गया। चल ठीक, ऑफिसर आप ले देना नोट डाउन करके। उन्होंने नोट करा है सर, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता हूँ? हेलो सर। नहीं अभी नहीं। ओके ठीक है, उनको उन्होंने उनका सब बातचीत बताया, उनका भी ये ले लो, नोट डाउन कर लो उनका भी। और सर मैंने क्रेजी जी को भी कॉल किया था, वो तुम नोट डाउन करो, मेरे दोस्त थे। ओके ऑफिसर नोट डाउन करो। ठीक है ऑफिसर, आपका नाम क्या हो पीछे वाले? मेरा नाम राजू पाटिल। राजू जी आप इनका भी एक ये ले लीजिए, बयान ले लीजिए क्या है इनका। ओके ओके सेम बस, इनका भी वही सीन है, ये भी वही बोल रहे हैं कि डैनी वगैरह कोई था। जैसे तुम दोनों ने नाम बताया, हेलो ये सर, जैसे तुम लोगों ने नाम बताया मुफासा बंडा मामा ऑल दैट, ये नाम कैसे पता तुम्हें? तुम उन्हें पहले से जानते थे या फिर कहीं मिले थे तुम उनसे? नहीं नहीं, वाइट वाइट बाल वाले कुमार नाम के, गणपत गणपत इनका इनका उनका ही गणपत। अच्छा फिर तुम उनका नाम कैसे जानते हो, तुम मिले थे कहीं पर? सर मुझे पूछ रहे तुम दोनों से पूछ रहा हूँ मैं। सर सर क्या देखिए, कुछ दिन पहले एक वारदात हुई थी पीडीएम पे, फेक गाड़ी बेच रहे थे 20 यानी गाड़ी बेच रहे थे 20,000 में। ओके ओके हाँ, तो वहाँ पे मुफासा जी ने बोला था कि हम ये कर देंगे आत्महत्या अगर मिली नहीं तो, पर वो प्रैंक था, उसमें वो देखा था ना आपने न्यूज में? हाँ, हाँ, न्यूज पढ़ी थी मैंने, पढ़ी थी मैंने। तो उससे मैंने उनको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने मास्क नहीं पहना था। किसने? मुफासा जी ने। और सबने मास्क पहने थे कि उन्होंने मास्क नहीं पहना था? देखिए मुफासा जी ने मास्क नहीं पहना था, बंडे जी है ना कल मुझे पीडीएम पे मिले थे। ओके और डैनी?
डैनी जी ने एक बार हमें बोल तो रहे हाँ, थे गाड़ी में घुमाया था हमें, गाड़ी में घुमाया था, बोल रहे थे आपको गाड़ी चलानी आती, हम ड्रिफ्ट दिखाते, और हमें पेट्रोल पंप जो था उसके आगे गाड़ी से कूद गए थे, पर वो अच्छा हुआ कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी ठुकी नहीं और हम बच गए, पर उसमें वो घायल हो गए थे, तो उसमें उनकी पहचान हुई। ओके, तो आप सबका नाम हम नोट कर लेते हैं, ऑफिसर दोनों का नाम नोट करके एलएसपीडे एविडेंस में डाल दीजिए, ठीक है। और ऑफिसर मेरे को जरा जमने तुम करो। अच्छा अच्छा, तुम दोनों का नाम बता दो मुझे। हाँ आईडी बता दो तुम दोनों की। आईडी 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 फ्लैश कर दो। आईडी कार्ड का गणपत बैठे। ओके, तुम्हारे धनाजी दाम दे रहे। सिंगम जी, अरे वो नवरात्रि चालू है ना अभी आज, तो मेरे ख्याल से उनका कलर थीम ऑरेंज था, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल ऑरेंज रहे। और सर उन एक बंदा जो था वो जो लाइटर पकड़ के उसने मास्क पहना था। ठीक है सर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी इंटरव्यूशन करेंगे। किसके साथ था वो? उनके साथ ही था वो, डैनी और उनके साथ। मुफासा जी उनके साथ। हाँ ओके, तो तुम दोनों का नंबर भी दे दो मुझे, अगर इस केस के रिगार्डिंग कुछ होता है तो आप हमें कॉल लगाऊंगा और आपसे पूछेंगे वेरिफिकेशन। पहले ओए कसा है काय कसा काय, एक नंबर आ गया, आप भी दे दिए एकदम मजे दे में। सर मैंने अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू। मैं उनको दे ही रहा था पैसे। ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी जो आपके साथ हो अगली बार से नहीं हो, ठीक है। और अगर अगली बार आपसे कुछ सिचुएशन होती है तो आप उनको व्हाट्सएप मैसेज भी कर दीजिए, हमें एक 911 कॉल कर देना बस आपने, हम आप घर आ जाएंगे। यस सर। ओके ओके, ठीक है। सिंपल सर, एक्चुअली डैनी नाम का, डैनी करके कोई कभी पीडी पे आए वो किसी गाड़ी के बारे में बात कर। हाँ उसको नीचे रिसेप्शन पे आ जाइए। उसको सिंपल सर, व्हाट्स योर 1020 डाउन सर बीडी नियर इंटरव्यू ले आइए। इधर आ जाइए, आप दोनों इधर आ जाइए। अरे इन्हें थोड़ा वेट कराइए, मैं बात करके आता हूँ, ठीक है। मैं सिंबा से। ओके। अरे खाना है किसी पे? खाना आवाज बदलना तुमचा। हाँ एक 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 सनी को छोड़ दे जला एकदम वो। हाँ उनको तो छोड़ दीजिए, आवाज नहीं बदल रही, उनको बोल दीजिएगा थोड़ा सुरक्षित रहें अभी। टीशर्ट गाय उनको छोड़ दो, मतलब ऊपर जाके ऊपर ले जाके उनको छोड़ दो, लेकिन वो जो हुडी वाला बंदा है ना, दूसरा वाला, वो जो ग्रे वाला, उसको उसको यही पे रहने। जब पानी पानी की तरह क्रॉसिंग बस रहने। ओके ठीक है, डैनी जब आता है चिल्ला के आता है क्या? हाँ चलिए सर, आपको जताओ, और अगली बार आपसे कुछ भी होती है ना कुछ लेट रीड कर तो उस। अरे पुलिस से कैरेक्टर दे 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 वाला सब जाम दे दे, या कर त्या कर। सर वो डैनी जी को आपने पकड़ा था कि वो आपको अभी आए वो? इन्वेस्टिगेशन चालू है सर, अभी सिम्बा सर से बात करता हूँ और उन्हें पूछता हूँ क्या करना चाहिए आगे। जी सर, सर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हाँ सर, जरूर सर, सर। इधर से आ जाइए सर। हाँ इधर से। थैंक यू सर, आप जा सकते हैं, और अगर कुछ होता है आपके साथ गलत फिर से तो हमें बता दीजिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर, आपका भी।
इनको इनको वो वाले रूम में लेके चलो देते जा समझारा तारे काय बोर्ड ये इधर आओ डैनी इधर आओ वानी वानी आया सिंगम जी उसका चेहरा इस साइड कीजिए ओके डैडी सर आप उधर साइड से आइए सांप निकला पानी है क्या हां इधर साइड से इधर साइड से लेना पड़ेगा खाना को सुनने में आया कि आपने कुछ बंदे को सिंबा सर ऑफिसर उनको थोड़ा सा मतलब दूसरे रूम में बिठा के रखो सिंबा सर उसने पहचाना क्या टकला डोर बंद कर वो सर अब सर अब इनको सबको गिरफ्तार करो सर अभी तो इंक्वायरी चल रही है सर आपने बोला कि वो चेहरा पाका ने एक लाइव स्ट्रीम के लिए मग परत लाइव ने आले इतनी लेती तेरे इतने 13 रुपये मुझे सिप बनना इतना एलएसपीडी सिप और आपके ऑफिसर के सामने वो ऑरेंज कपड़े वाले लोग भागे समझ रहे उन्होंने आप अपने दोस्त को कॉल करके बुलाइए सर यहाँ पे और आप सेफली जा सकते जी जी कैंटीन का पे कैंटीन ये उन इनको बोला है ना रुकने नहीं यार मेरे को छोड़ने को बोला है बार पूछ ले अरे राहुल इधर आ बे पीडी पे आ मेरे को बंदे मामा गिन आई थिंक यू हैव टू स्टॉप हियर हां आई थिंक यू हैव सो व्हाट्स योर नेम सर नेम माय नेम इज आदित्य Share your contact with anyone, so we can contact you easily. If sir, जो suspect थे आदित्य उनको छोड़ना है ना? एक minute रुक जा, मैं PD पे हूँ, तो मेरे को PD लेने आ जा भाई. उन्हें बिठा रखो. जी. जी बिल्कुल. मैं इनको number send कर रहा हूँ. तो अभी sir. Charlie. Bro. You have to stop. You have to wait here. Come, come, come. चलो उनको पीछे चलो आ जाओ किया टकले हाँ किया कर दे राजू रेडियो पे कॉल कर दे ये बारे में हाँ हाँ चपले पड़ेगी ए यू थिंक व्हाट आई थिंक ब्रो या तकले करेगा अरे राजू तुम करना ठीक है क्या क्या डोर ओपन करते तुम डोर बंद कर दो इंटरोगेशन रूम में वो नीचे सर 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 हॉस्पिटल पीडी सर फोन फोन सो यू हैव टू स्विच ऑफ योर सेल फोन ब्रो हां तो अरे कितना ऑफिसर कितना टाइम लगेगा सर इट्स इंटर लाइक इंटरोगेशन चालू है आपने जो सस्पेक्ट बोला था वो मिले हैं हमको सो कैन यू जस्ट आपका मोबाइल आप कट करके आप अपने जेब में रख दोगे हां मैं मेरा दोस्त वेट कर रहा है ऊपर इसलिए पूछ रहा था टेल हिम टू गो अपने बहू भी केम राजू पाटिल ठीक है ठीक तकले होना होने चलत ना रीत वो इंटरोगेशन हो जाएगा मैं कंप्लीट में कॉल करता तेरे को ठीक है बंद कर पता नहीं बात टैलिंग्स कम हियर हां ये फिंगरप्रिंट्स
रेस्पेक्ट। हम वो क्यों उधर गए? कम ईयर बार 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 अगला यू राजू पाटिल सर यू हैव टू लॉग इन व्हाट अबाउट द एक्टिव सिचुएशन लाइक गोइंग ऑन। ये डॉक्टर का कुछ अलग ही चल रहा है। और चल रहा है। चलिए चलते हैं, मैं देख देता हूँ ठीक है। आप मेरे साथ दो ऑफिसर आ जाइए, आप एक बंदे एक ऑफिसर आप इनके साथ रहिए दो। हाँ भाई तुम मेरे को मारो आके। नहीं सॉरी सॉरी होल्ड योर हॉर्सेस ब्रो, नाम का देखना पड़ेगा भाई। राजू पाटिल सर रुक जाओ, इस तरह कर दिया बंद। मैं बंद कर रहा हूँ। यू हैव टू स्टे देयर ब्रो, दो ऑफिसर्स बोला है उन्होंने। मतलब यहाँ पे वीडियो बुलाया उसने, देखो 911 में। यस भी कहाँ पे फेक 911 किया? फेक 911 किया गया ये लोग ने? नहीं रिवर्बिंग आरपी कर तो माजा कर के 90,000 रुपये का लैपटॉप है। पीसी खराब झाला माजा। वाह वाह मस्त है। खाना पीने ले गया था भाई, इधर मिलता है सर उनको भी लेने। हेलो। यस सर। अरे मेरे को एक बात बताओ, तुमने वो दो बंदे को जो छोड़ा उनका नंबर कुछ लिया कि नहीं? हाँ नंबर लिया है वो उसने। किसने? अपना ऑफिसर। हाँ ठीक, नंबर लिए रखना, अगर जरूरत पड़े तो उनको बुलाना भी पड़ेगा, उनको कॉल करके बोल दो भी। हाँ हाँ। हेलो ऑफिसर। यस। हमारे दो सस्पेक्ट के नंबर लिए थे तुमने, वो उनको कॉल करो कि तुम्हारी जरूरत लगी तब आ जाना। 10-4 सर मैंने बोला उन्हें। ओके ओके अब चला ले डेल जी टीम भाई। और बताओ। अरे मैं तुम्हारे सबके नए हो सब तो आपके सबके नाम मैं भूल जाता हूँ यार। मैं राजू पाटिल टकले बोलने का मेरे को राजू। अच्छा नहीं रे टकले बिकले नहीं मेरे से होगा। सब टकले से पहचानता मेरे को। आएगा बोलिंग का डॉक्टर, मेरे को ये कंप्लीट करनी है पीडीएम के खिलाफ। सिम्बा जी बोलो बोलो। मेरे पे हमला हो गया, मेरी जान लेने की कोशिश करी, मेरे सर में टांके लगे हैं देखो। सर वेट वेट सर। खाना पानी कुठे भेटता है याला काही माहित नाही पीडीचा। तुम्ही किती इयर्स ओल्ड आहेत सर? आम्ही आता त्या गेम गेम सांगतो रे याला काय। तू पण Big Mac is not available. सबूत सर मैं खुद सबूत हूँ जिंदा। क्या चाहिए सिम्बा जी मेरी? हाँ तो अरे सुनो मेरे को वीडियो वीडियो जो प्रूफ है ना आपका वो मेरे को भेजो ना वीडियो। अभी उठा के उसको डालता कि नहीं देखो आप सर विटनेस चलेंगे कैसे? अरे पांच विटनेस हैं, पांच विटनेस। पांच के आठ आपके ऑफिसर भी हैं, चार उन्होंने क्या। अरे 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 ठीक तो हो ना? नहीं नहीं वो सर आप चिल्लाओ मत सर, आपके टाके निकल जाएंगे। हाँ मेरे सर में दर्द हो गया, बंदों को बुलाओ यार। नमस्ते सर। नमस्ते क्रिजी जी का। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन बोला तुम बोले क्या?
एक्सक्यूज मी यस सर सर एक काम करते हैं आप मेरे मरने का वेट करो जब मेरी अर्थी अरे आप प्रूफ लेके आओ हम आप भी उसके ऊपर ये करके कार्रवाई जब वो जो चार विटनेसेस है ना जब मेरी अर्थी उठा लेना उसके बाद सर आप एक्शन ले लेना तो बेटर रहेगा इंस्पेक्टर साहब मुझे जो कॉल आया था कि मेरी जो गाड़ी चोरी हुई थी उस सिलसिले में मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया तो मैं आ गया हूँ क्या दिक्कत है नाम क्या आपका मुफासा ठीक और ये कौन है आपके मतलब आपके साथ ही है सब लोग हाँ ये प्रोफेसर जी है और ये बंडे मामा है बाकी ये जो दो है वो इनके मित्र है बंडे मामा और आप मेरे पीछे आ जाओ अरे सर्किट हेलो अरे सर्किट पुलिस स्टेशन सुनो सुनो बाजूरा मंत्री एक मिनट पानी सोड़े सिंगम जी हेलो सर जी सर करिए कम टू बटेल 20 कैंटीन का पे क्या भी कहते खाना पीना लेना है कैंटीन का पे अरे नहीं अभी फैसिलिटी नहीं है अभी अपने को बाहर जाना पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है ओके लीव इट लीव इट लेट्स गो टू 1020 ओके 104 मतलब कि 1020 पीडी है मतलब जो कुछ बोलोगे ना उसमें कुछ मेरे को बिल्कुल मैं बोलूंगा उसमें बदल नहीं होगा बस सामने वाला जो बोलेगा उसमें बदल होगा नहीं वो तो नहीं उसकी जान पे बनी थी अच्छा और मेरी पूरी मॉडिफाइड है और वो गाड़ी मेरे गैराज से कोई लेके जाता है जो मैंने पार्क की थी और मैं सोने चला गया पीछे जाके देखता हूँ तो गाड़ी गायब ये क्या तरीका है ये क्या सिक्योरिटी है इस शहर में पुलिस वालों की सिंगम जी कम टू माय 2020 कमिंग कमिंग पीडी राइट 10 एक काम करो आप आ जाओ सर यहाँ पे हटो हटो गेट के सामने से हटो अरे डैनी क्या दिक्कत है आपने बोला था गाड़ी वहां पे देखे मैं वापस आरती में आ जाऊंगा इतना टाइम अरे ये लोग बोल रहे कि तू उधर था और बाकी के भी उधर इधर थे आप मैं वो गया था ऊपर ऑफिसर वो बंडे मामा कहां पे है उनको लेके आओ उधर फोटो में नीचे रह गया लॉक कर दिया डोर उन्होंने आजा इधर इधर बंडे मामा और फिर वो गाड़ी के बाहर एक बंदा लटका था क्या अंदर गाड़ी के बाहर बंदा लटका था हां वो भी मूर्छित हुआ हुआ और बोल रहा था बचाओ बचाओ मैंने देखा मैं उधर से शहर में मैंने देखा इस शहर में गाड़ी से इस शहर में जब से मैं आया हूं कुछ ना कुछ मेरे साथ ही हो रहा है
मैं बहुत चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दिक्कत क्या है, कोई अननोन कॉल आ जाते हैं, मारने की धमकी आ जाती है, कोई बंदा आके मुझे उड़ाने के चला जाता है, मेरे लोगों को कोई गाड़ी ठोकती रहती है, चल क्या रहा है ये सब दिक्कतें। मोपासा जी देखो अभी एक फॉर्मल इंट्रोगेशन के लिए आपको बुलाया गया यहाँ पे, तो आज अभी से आधे घंटे पहले हमारे को एक कंप्लेंट करने के लिए एक बंदा आता है, ठीक है, ओके, वो बोलता है कि मेरे दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं आपको उनके नाम नहीं बता सकता अभी, लेकिन पूरी वारदात बताता हूँ मैं। तो वो बंदों ने उस बंदे ने कहा कि मेरे एक बंदे के दोस्त को किडनैप किया है किसी ने, और वो बंदा सर ये बंदे थे, उसने लोकेशन भेजा है मुझे, तो हम वो लोकेशन पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले मिलते हैं डैनी जी, प्रोफेसर जी, सब थे। अच्छा सब थे, और उसके बाद वहाँ पे आपकी वो जो बोल रहे हो मॉडिफाइड गाड़ी, एंड इट्स कम फ्रॉम दैट, वो लोकेशन पे मोफाजा जी भी थे, ठीक है, और उसके बाद मर्चेंट नेवी में थे, आई एम ई काय बोलते हो, एक बंदा भी मिलता है हमें जो कि पीछे में नहीं क्या बेहोश था वहाँ पे, चश्मे वाला चुटी वाला, और उसके बाद और एक बंदा था जो वहाँ पे ऊपर ही कंपाउंड में वहाँ पे सरेंडर करके खड़ा था, उसके ऊपर किसी ने पेट्रोल पेट्रोल कुछ छिड़का था, ठीक है, वो बुरी तरह से दोनों के दोनों बंदे घबराए हुए थे पूरे, अरे बाप रे, और वो बंदों ने हमें तीन नाम बताए, वो तीन नाम थे डैनी, मुफासा और बंडिया। मुफासा? यस मुफासा। और वजह क्या बताए उनको वहाँ पे क्यों लेके गए, उसकी रीजन? उन्होंने वो सब कुछ बताया कि हमसे गलती हो गई, हम गलती से वो गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने हमें वहीं पे चाकू दिखा के गाड़ी में बिठा के वो लेके गए वहाँ पे, और एक को तो मारा बेहोश होने तक, और दूसरे को पेट्रोल छिड़क के बहुत ज्यादा डराया। लेकिन आप ही सोचो सर, मैं इस शहर का एक रिस्पेक्टेड सिटीजन हूँ, क्या आपको लगता है मेरे गाड़ी में अगर कोई बैठ जाएगा तो मैं उसको ऐसे किसी अननोन जगह पे ले जाके डराऊंगा धमकाऊंगा? मेरे यहाँ पे मेरे गाड़ी में बैठना तो छोड़िए, कोई गाड़ी मेरी मांग ले तो मैं खुद गाड़ी दे देता हूँ, लोग खुद ब खुद गाड़ी लेके घूम के वापस आ जाते हैं। लेकिन सर आप देखिए अभी यहाँ पे जो मतलब पूरी वारदात हुई है उसके अंदर जो सबूत मिल रहा है वो सबूत चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि सर कि इसमें कुछ तो काला है। वो काला नहीं, पूरा का पूरा दाल काली होने दीजिए, दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत बस इतनी है कि शहर के नामचीन जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे बुला के आप पूछ सकते हो कि मुफासा से अगर आप गाड़ी मांगते हो या मुफासा से कोई हेल्प मांगते हो तो मुफासा हेल्प करता है कि नहीं करता है, पहली चीज तो ये है। लिया मेरा और मेरे लोगों का नाम डायरेक्टली लिया ही कैसे, ये मैं पहले उनको पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कब देखा मुझे ये सब चीजें करते हुए? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एज अ पुलिस ऑफिसर, मुझे ऐसे यही आसपास रोड पे घूमते हुए मुझे कुछ काम धंधा नहीं है जो मैं ये चिंदी चीजें करता रहूंगा, क्या आपको यही अभी लगता है? नहीं नहीं सर, मैं आपको पूरा एग्री करता हूँ, आप ऐसी चीजें नहीं करोगे, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो शहर के, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो ना अभी मतलब हमारे भी हाथ कानून से बांधे हुए, तो नहीं नहीं आप कानून के हिसाब से ही रहिए, मैं तो कानून का हमेशा साथ देता आया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सामने वाला गलत है ना तो मैं उस पे मान हानि का दावा करूंगा इंस्पेक्टर साहब, पूरी जिंदगी उसको जेल में सड़नी पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अपमानास्पद लग रहा है, मैं आरती में था और मुझे आरती से उठ के आना पड़ा है उस एक व्यक्ति के गलत स्टेटमेंट की वजह से, यहाँ तक ये जो है डैनी ये मुझे बोला आपकी गाड़ी मुझे यहाँ पे मिली है मुफासा जी मैं लेके आ रहा हूँ, मैंने उन्होंने मुझे गाड़ी वहाँ पे दिखाई जहाँ पे आरती चल रही है, मैंने बोला चल जाने दे ये पुलिस का मैटर है, पुलिस एक बार तहकीकात कर ले, सब सबूत वगैरह इकट्ठा कर ले, मैं तब तक आरती कर लूंगा और आ जाऊंगा पुलिस के पास। और आप अगर देख रहा हूं आपकी, तो आपकी वो... गाड़ी आप बोल रहे हो कि वहां से मोटेल से आपकी चोरी गई, ठीक है जी, तो आपने इसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट वम्प्लेंट कुछ की थी? सर मैं थका हुआ गाड़ी नीचे पार्क करके डायरेक्ट सोने गया रूम में, और मैं रूम से बाहर आया तब घरी गाड़ी नहीं थी, तब मैं तुरंत आरती करने गया, अभी इतने सब एकदम झमेले में मैं कॉल कब करूं, मुझे पता कैसे चलेगा जब मैं सो रहा हूं कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मुझे जब डैनी ने बताया तब मुझे ये सब चीजें आंखों के सामने आ गई। मुफासा जी सर जिन्होंने हमारे नाम बताए उनके हमें मतलब नहीं क्या उन लोगों को बुला सकते हो आप इधर? यस जस्ट एक मिनट दो मिनट मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ बात, डैनी जब यहाँ पे आए थे उनके साथ हमने पूछताछ भी की थी और डैनी
को उन्होंने पहचान भी लिया है, तो ये भी कंफर्म कर चुके हैं हम। सो यस सर, मेरे साथ भी एक वारदात हुई थी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोनों को आप ला सकते हो, पहचान चुके हैं कि नहीं ये बात का मैटर है। मुफासा का नाम लिया कैसे उसने, ये पहला मैटर है, क्योंकि मुफासा सो रहा था और सोते हुए मुफासा को उसने देखा कहाँ पे। उनको बुलाइए, सामने खड़ा कीजिए और फिर सवाल पूछिए और देखिए कौन सवालों के जवाब देते वक्त कप कप आता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। सिंगम जी, आपने वेरीफाइड कर लिया कुछ? ये उसने बोला कि ये सब थे वहाँ पे। That's it सर, मुफासा सर अभी क्या बोले आप बताओ मुझे। आप उनको लेके आइए ना सर। जी सर, उन्होंने वेरीफाई किया। ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ, मैं नींद में सोया हुआ था, मेरे जेब में से 72 लाख रुपए लेके कोई चुरा के ले गया और वो बंदा वही है जो मेरा नाम ले रहा है, तो आप क्या सही मान लोगे? चलो मैं अब भी मेरा स्टेटमेंट देता हूँ, मेरे साथ ही 4 लोग है। यार तुमको पता है ना मेरे पॉकेट से 70 लाख रुपए चोरे हुए? हाँ, 72,000। इंस्पेक्टर साहब देखो, मेरे साथ 4 चश्मदीद गवाह है, अब क्या आप उसको पकड़ोगे? किसी भी लफंगे का मान के आप एक रिस्पेक्टेड सिटीजन पे ऐसे एलिगेशंस नहीं लगा सकते सर। सोच के आप बोला कीजिए, मैं एक रिस्पेक्टेड बंदा हूँ, मैं हमेशा इनको रिपोर्ट के पता है अस्पताल के इधर किसी 2 आदमियों को लेके गए थे कोई गुंडे, और उनका दोस्त अस्पताल के इधर से देख रहा था कि उठा के लेके गया, तो वो बंदे ने पुलिस में जाके रिपोर्ट किया कि मेरे दोस्त को कोई गुंडे उठा के लेके गए, और उस जिसने रिपोर्ट की ना उसको पता था पहले से कि किधर लेके गए। मतलब मुझे लगता है उन गुंडों के साथ इनका दोस्त भी शामिल था, मतलब वो गाड़ी चोरने में उनका ही हाथ है। कौन सा है लोकेशन, कौन सा है वो पहले पता था वो तीसरे इनके दोस्त को। ठीक है मुफस्सिर जी, अभी मुझे भी थोड़ा सा कुछ सुनो, पूछूंगा सर मैं। एक मिनट, यस एक मिनट, ओके सर। ठीक है, अभी यहाँ पे पूरी तरह से मतलब आपके खिलाफ तो एकदम एग्जैक्ट कुछ नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, लेकिन आपको आगे से 3 दिन तक यहाँ पे आके पीडी पे आके आपको ये देना है, हाजिरी देनी, अंगूठा लगाना पड़ेगा सर। कौन से जुर्म में लेकर सर? जुर्म नहीं है सर, यहाँ पे आके आपको हाजिरी लगाना पड़ेगी, उसके पीछे आपको नहीं बता सकते, लेकिन आपको आना पड़ेगा सर। पहले प्रूफ पर तो मुझे समझा नहीं कि हम हाजिरी लगाए क्यों, अगर हम एक निर्दोष सिटीजन है तो आप डायरेक्टली हम पे एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? यस सर, मैं बताता हूँ आपको, जिन्होंने भी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की थी तो वो लोग जहाँ पे उन्होंने जगह बताई थी उस जगह से आई थिंक डैनी जी वहाँ पे स्पॉट पे वो मौजूद थे, और उनके बयान के हिसाब से मुफासा जी। एक मिनट सर, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंदे गए थे आप बोले उसमें कोई तो बंदा बेगोश था, तो हमने उसको उठाया, तो हम उसको उठा के लेके जाके कहाँ लेके जाने वाले थे वापस? सर अभी हमें क्या पता, हमें जैसे रिपोर्ट मिली हम उसी तरह से, लेकिन आप ही बोल रहे हो ना वो बेगोश लड़का मिला, तो हम वो लड़के को वापस हमारे गाड़ी में कैसे लेके जा सकते? लड़का उनके साथ शामिल हो सकता है गुंडों के साथ। सर हम उनके साथ भी अभी पूछताछ करने वाले हैं इसके बाद। हाँ, वो जो जिसने रिपोर्ट किया ना, जो 2 लोग किडनैप हुए थे उनका, हेलो डिस्पैच, उसने आपको बताया ना किसकी जगह लेके गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक गाड़ी में बैठने की वजह से किसी को इतनी दूर ले जाके ये सब चीजें करेंगी ये पुलिस वाले? इंस्पेक्टर साहब आपको इस बात में कितना दुख लगता है? देखो गाइस, बीबी क्विक बातचीत के लिए मैं यहाँ पे अभी आपको लेके आया था, ठीक है अमित सर, एक्चुअली मुफासा एंड डैनी इज हियर एंड सिम्बा सर इज इन्वेस्टिगेटिंग। मैकी जी किधर बुलाए? किधर बुलाए? बुलाए किधर है? क्या मालूम? तेरी सर, 2090 कहाँ पे आपकी? आपने कहावत नहीं सुनी है डैनी जी? कहावत नहीं सुनी आपने? ये वाली क्या? मतलब मैं कुत्ता? अरे भगवान, अभी इनको कौन समझाए? मुफासा जी आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है,
पुलिस ऑफिसर शॉकिंग गोइंग ऑन 1042 दिस इज नॉट रिगार्डिंग टू सर हैव और यू डैनी 104 ठीक है बुलाए किधर है कि आपको पता है प्रोफेसर और बंडिया मामा पे प्राणघाती हमले भी हुए हैं कोई मारने की कोशिश भी कर रहा है और प्रोफेसर नहीं उनका टेंडेंसी नहीं पता जो स्टॉक में था वो लिखा है तेरे को पानी दे अब ले सकते हो या आप विचार कीजिए कि अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और अगर मुझे पुलिस की कोई भी आके आयरा गहरा नक्सल गहरा कंप्लीट कर रहा है यार नहीं नहीं मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं आपसे ऐसी कोई गलती हो ही नहीं सकती मेरे को भी ये पता है सर लेकिन क्या है कि अभी हमारे हाथ भी कानून से बांधे हुए समझ रहे हो जहाँ पे कुछ मिलता है आपको कोई नाम ले ले तो हमें पूछताछ के लिए तो आपको बुलाना पड़ेगा नहीं सर नहीं सही है सही है लेकिन अगर ये गलत साबित हुआ ना इंस्पेक्टर साहब तो जी, मैं जी, पूरी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगा मैं आपको बोल रहा हूं फेक केस के इसमें वही बहुत लंबे चले जाएंगे जेल में समझ रहे हो आप मतलब मेरे पास सारे सबूत है मेरे पास प्रूफ है कि मैं सोया हुआ था गनु जी कैसे अरे तो कुछ नहीं अरे कोई नहीं आ जाओ अगर आपको आपसे कुछ पूछताछ करनी पड़ी तो सर मैं आपको कॉल करके बुला लूंगा आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए मैटर बढ़ सकता है मुपासा जी ये हमारे पीछे वाले लोग मुपासा जी अंदर आ जाइए एक दो मिनट हां सर सर देखो देख रहे हो आप हां सर देख ये रिस्पेक्ट है क्योंकि मैंने ये कमाई है और ये लोग मेरे हैं मैं इनका हूँ इनमें से आधों को मैं जानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझसे प्यार करते हैं सोचो आप मैं ऐसे किसी निर्दोष व्यक्ति को तकलीफ दे सकता हूँ सर अरे नहीं सर वही दोनों को वो ये केस हम खुद पूछने आएंगे आपको कि इसका क्या हुआ बंडे मामा जी करने जाते डैनी जी और मुपसा जी आप अपने तीनों के कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे दीजिए और इस रिगार्डिंग कुछ मिलता है आगे तो फिर मुझे तो अभी इस पे तहकीकात करनी है जी जी ये लीजिए मैंने दे दिया मैंने भी दे दिया आया जी जी मैंने भी दे दिया जी थोड़ा जल्दी करेंगे हां सर ठीक है हां सर मेरे दोस्त आपका तो दो सिम्बा जी अरे मैंने दिया ना अभी नहीं दिया मेरे को ये लो आया शॉट्स फायर दरवाजा खोलिए इंस्पेक्टर साहब जरा एक सेकंड शॉट्स फायर नहीं वो आपको चलिए सारे सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी लूंगा आपके जिम्मे में थैंक यू हमें सर आरती को जाना है चलेंगे अरे अमय सर का लोकेशन नहीं मिल रहा है सर अच्छा चले गए रहेंगे रे चलो जाते कपड़ा देने ए यहां पे आओ ये पीछे वाले गेट से इनको छोड़ रहे चलो चले जरा पीछे वाले गेट का राउंड डॉक्टर जी हो क्या
हेलो तुम्हारा नाम क्या है? जेम्स कार्लटन। ऑफिस सर? हाँ बोलिए सर। सर केस के रिगार्डिंग छोटा बाइट चाहिए था आपका। हाँ चल आ जाओ सर। अच्छा सर आवाज आ रही है मेरी? यहाँ से पीडी पीडी देखेगा आपको। मेरी आवाज आ रही है? क्रेजी आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। थैंक गॉड। क्या हुआ क्या यार, ये क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। ऊपर से निकला सब कुछ क्या था? अरे ऑफिस से चलो आरती करके आते। चले 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 आजा। वेट वेट सर वेट। अरे रुको रुको रुको, तुम्हारे को गाड़ी का एक्सेस नहीं है क्या? हाय हाय न्यू क्या? हाँ अरे अरे सिंबा सर के लिए रखो एक जगह। मैं आप में ले रहा हूँ वेट। ले 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 तुम ले लो। ले ले इधर वेट है तो मैं लगा रहा हूँ। सायरन किसे बोले थे? मसल के कौन सा सिंबल सर? द व्हीकल इज रेडी। क्यू मसल यू सॉरी क्यू क्यू आई एम वेटिंग आउटसाइड पीडी। बाकी गाड़ी इंपोर्ट कर दे सर टोको बुला के। वाइट मत करो। राजू पाटिल डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा फूड? यस ये मेरा फूड बाकी है। नंबर दो ना चार्ली। तुम्हारा नंबर नहीं मेरे पास। जा भाई खाना पानी ले लो भाई। रुको जरा इधर जो स्टॉक में था वही लेके आया हूँ। ठीक है रुको जरा बाकी तो स्टॉक नहीं है। सब रखने के बाद बोल दिए। ये वो हो गया हो गया। नंबर दे नंबर। आपका भी जो सॉफ्टवेयर मेरे को ये मैं मेरा कार्ड दे रहा हूँ। नंबर दे नंबर भेजो। एक सेकंड। ये वाइट गाड़ी किसके रे? पता नहीं कुछ नहीं नहीं बुला लो। विक्की आजा क्या क्या चल रहा देखते। चले चले मिस्टर ऑफिसर हमारे पास एविडेंस है। हमारे पास आरती करके आते हैं बेटा। सायरन मत बजाओ। बहुत तकलीफ होता है। फुट टू पे ही चलो। लॉक करना चाहिए। Thank you.
चार अति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावक सेवक नर नारी अगर कपूर बासी श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी शिवाजी महादेव प्रसाद 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 किधर है प्रसाद प्रसाद किधर है अरे प्रसाद किधर है प्रसाद किधर है मेरे को प्रसाद चाहिए आज की इधर मिलेगा अरे मर गया क्या गाड़ी भी नहीं आई बोलो ना नहीं आपको नहीं बोला हमारे बेजे जी को गाड़ी चलाना सिखा दो बस और अगर वो कहीं पे भी गाड़ी चलाए उनको उनकी गाड़ी ठुकनी नहीं चाहिए बस यही आशीर्वाद चाहते थे उनको जय माता दी जय माता दी रियली सॉरी मसल फ्लैक्स प्रसाद तो खाया चलो अभी क्या बेकार काम ये देखो पीछे काम 25 है अबला अभी जो आरती चल रही है बड़ा प्रसाद चल प्रसाद कुछ नहीं है कितने उठाए मैं बताता हूँ देखो इतने उठाए सर आप प्रसाद के लिए फिल्मिंग कर रहे हो मूर्ती बसवली बॅनर लावलत
आप बोल लीजिए पहले। शिवाजी महाराज मूर्ति टाकला है फिर नवरात्रि 2021 विंग्स कम हियर ऑफ ड्यूटी जाने का क्या मैं भी जा रहा हूँ अभी गरबा खेलेंगे मजा आएगा बहुत चल आजा मिनट ले पीछे वो फॉलो कर रहा है हमको वो देख पीछे छोटी सी हेल्प चाहिए आपकी मुझे एक बॉटल पानी मिल सकता है हम 25 साल थोड़े बहुत गरबा भाई वक ना तू कुछ मजा है प्लस 100 पॉइंट्स कहा था ना कुछ नहीं कुछ वो कुछ तो मोर रही थी चलेगा चलेगा ठीक है रख लो तेरे पार कार कार सामने मेरी चला जा जी आपको कौन Simba sir, I am waiting near the door. Aar. Singham sir ji. Bad, bad. एक गोल फिर घूमते देखते हैं कैसा है बैनर विनर कहीं ना मना यार man just remove your mask what happened kuch nahi sir dekh raha tha bas gaadi chor rahe the kya nahi sir gaadi nahi chora sir maine are you sure ha sir main cross kar raha tha aise aisa okay. cross kar raha tha main okay sir have a nice day chale na khas ne and they have to improve गाड़ी एक थी हम 25 ये तो क्या आर मेरे बहुत सारे गए
हमें बोलना क्या है बे अपने को क्या 1042 इस पर चार लिविंग 1042 dispatch char living 1042 कहां पे सोने का भाई इधर है इधर ऑफ ड्यूटी होती है बोला था रेडियो डिस्पैच दिस इज चार्ली विंग्स गोइंग 1042 हैव अ नाइस डे थैंक यू फॉर योर सर्विस हैव अ गुड डे ऑफिसर वो जॉन मार्टिन कहाँ पे How many officers are on duty now? Malhotra. 19 aa jao sab, PD aa jao sab, ye sab. Yes sir. मुपासा जी को हेलो टकले सर और उनकी लास्ट लोकेशन क्या थी सर इतने यंग एज में आपका अरे मालक का ये कौन है लेकिन लास्ट टाइम कहां पे देखा राजू पाटिल चिंदे कौन है बे कौन क्या नाम है तुम्हारा राजू पाटिल अच्छा तू जुगनू हो गए हां ठीक है हम भी ढूंढ रहे बीसीएस वाले हो फैजल इतने ऑफिसर N99 कमिंग सर बीवी भाग के गए तुम्हारी आप सभी ऑफिसर यहां पे जल्दी से जल्दी कैप्टन ऑफिस में आ जाओ सीनियर ऑफिसर कौन है अभी क्योंकि सिचुएशन आई है कुछ सीरियस वाली ठीक है अरे यार हमारी मतलब सीरियस नहीं है आग लग गई अरे अरे वो डॉक्टर को मार दो तुमने वो किसने मार दिया मैं बोल रहा हूं अच्छा अरे वो दे दो ना थोड़ा सा काम है जाओ जाओ डॉक्टर चल मार दो आ जाओ अंदर आ जाओ जल्दी इतने ऑफिसर है अभी आप ड्यूटी गए हैं सब अरे सीनियर ऑफिसर कौन है अभी देखो ना सीनियर ऑफिसर है अरे देवा सभी के सभी चले गए ठीक है तुम मेरे साथ रहो दोनों मुपस्सी को किसने किडनैप किया है जल्दी आ जाओ चलो
गाड़ी अच्छा वाला निकालो, भागती नहीं। 50 का स्पीड है इसी गाड़ी को। फोर्ड तो साला 90 के ऊपर नहीं जाता। नाम कैसे? राजू पाटिल। कैसे बोलता है? अरे ओ यार, टकला बोलने का टकला। सुनो, आप ऑन ड्यूटी हो? अरे नहीं, जाना पड़ेगा, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। वो ऑन ड्यूटी जाने का है। आया आया। किधर गए सर? वो ऑन ड्यूटी नहीं थे। ओके। मैं ऑफ ड्यूटी जाने वाला था अभी। अच्छा। गरबा खेलने। वाह। ऑफिसर। सीट बेल्ट पहनना। यस बिल। वापिस गरबा खेलने लग गए लगता है। ऐसा है क्या? सीनियर ऑफिसर गए क्या गरबा खेलने? क्या मालूम। वो वन परफॉर्मिंग कोड टू इधर से किडनैप किया है। नाम क्या है इसका पूछो। हेलो हेलो हेलो, आपका नाम कैसे? सर बोलिए, एक मिनट। आपने कभी यहाँ पे कहीं पे मुफासा जी को देखा है? मुफासा खान। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ, आ रहा है। मुफासा जी आरती तक, आरती के बाद दिखे थे थोड़ी देर, उसके बाद नहीं दिखे। ठीक है ठीक है, देखते हैं। ओके। फोन उठा ले गया भाई, भाई बहुत अब दिंगा ना होने वाला शेयर का। हमारे पास ये गाड़ी गाड़ी वो किसकी थी पता नहीं, बहुत फास्ट थी। अबे बंदूकें चलेगी इनके पास। बंद हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ, अभी लेके गए, क्या लगता है आपको? अगर देखो क्रिमिनल माइंड से सोचा जाए तो सिटी के अंदर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा साइड में ही रखेंगे। बड़े क्रिमिनल बन रहे हो तुम। क्रिमिनल माइंड सर। तो सिटी के बाहर का क्या क्या लोकेशन बताओ। क्रिमिनल कुछ किधर भी कुछ भी कर सकते हैं। वही सिटी के बाहर, मतलब आप बोल रहे हो पलीटो या फिर ऐसा कुछ? पलीटो सैंडी शोर उसी साइड सायरन मंतो।
भाग जाएगा। तकलीफ हो रही है तुमको? मेरे को नहीं, वो क्रिमिनल भाग जाएगा, आवाज आएगा तो पुलिस आई, पुलिस आई ऐसा। बाकी कोई लिखा तो फिर समझो कि है भाई कुछ काला। वाह अपना सीन खत्म है अभी, ये इमरजेंसी वीकल ले दरवाजे टूट गए। बैठो 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 चलो। खराब हो गई क्या सर? इंजन गया लगता है। अरे फिर किधर तुम पे गए? फिर जाना पड़ेगा क्या हो गया? डरते नहीं। क्राइस्ट डर ही नहीं रहा। बड़ी वाली निकालो, डरती नहीं हो। अरे तुम देखो ना, ले लो ना। डर ही नहीं। इस रोड पे मिलनी मुश्किल है सर। बैठो सर बैठो। गाड़ी मिल गई सर। चलो ना चलो। पेपर बताइए सर अपना। चलो चलो गाड़ी चलो। अरे उनको देता हूँ चलाने। नहीं चलो ना, दूसरी गाड़ी जाने पीढ़ी जाना पड़ेगा। पीढ़ी लो लगा लो। एक टक्कर में गाड़ी बंद होती है। स्पीड में थी ना। जी सर हेलो।
बाबा माय दोनों कैसे नहीं बता सकते हैं जीपीएस पे वो किधर गया ऑफिसर आजा गाड़ी में लोकेशन कुछ मालूम है सर नाइन वन आया नाइन वन आया लीजेंस लीजेंस स्क्वायर लीजेंस स्क्वायर पे नाइन वन आया था सर यस सर अरे सर क्या हो गया सर नहीं सर कुछ नहीं सर बोलिए अरे सिम्बा सर के पूछ रहा हूँ हेलो सर बाबूराव जी आपका कुछ सीन चल रहा है क्या मतलब कुछ कहाँ पे आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपका कुछ टीवी वी कुछ चल रहा है क्या स्टॉक का देखना पड़ेगा यार शेयर में स्टॉक ही नहीं आ रहा खाने पीने का और तुमको एक बात बोले इमरजेंसी व्हीकल लेनी है ना तो उनको गाड़ी से उतार के फिर उनसे चाबी ले लो ठीक है ये बहुत ज्यादा बड़ा सीन हो गया कुछ तुम थोड़ा सा मतलब इन चीजों की आदत डाल लो मैं मेरे साथ रहोगे तो यस सर आया कैसे पर इनके पास भाई सोच रहे हमने मुझे अभी मुझे पता है सर, एक ही बंदे को लिया सर मुझे पता है बट आपको बता दूं क्या अभी रुको एक मिनट अभी नहीं मेरा चल रहा है वो म्यूट मार दूं बताओगे तुम बताओ
हो गया क्या? रुको 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 मैंने कान ना खोल दिए नहीं रे। हाँ बोलो। हाँ वो भी गन लेके आओ, लेकिन अभी मत आओ, थोड़ी देर बाद आओ, हम थोड़ा सा बाहर जा रहे सिटी के, थोड़ी देर बाद आ जाओ। अरे रुको 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 रुको, मैं जा रहा अभी, कुछ सिचुएशन बहुत बड़ी उसी रिगार्डिंग। मुझे आपका आईडी बताओ, मैं बोलता 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 मैं दे दूंगा आपको बाद में, अभी के लिए तो मेरे को ये करना पड़ेगा। बता मेरे को आईडी। देख हुआ क्या? हाँ हाँ निकाल, सब सब लेके आओ आप पीडी पे। ठीक है ठीक, लेकिन इधर उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें से। ठीक है ठीक ठीक है ठीक, नहीं नहीं कोई नहीं कोई
काटो अपन ने लाइसेंस दिया ना उसका कुछ सीन नहीं था अभी अच्छा सीन तो अलग ही था इधर हुआ क्या अभी वो इधर शॉट्स फायर आया था ना अपने में क्या यहाँ पे मतलब माइनिंग है अरे माइनिंग पे तो शॉट्स फायर होएगी ना वो बारूद होता है ना नहीं लेकिन उसका तो नहीं आएगा ना आता है आता है अच्छा फालतू क्या आ गए भाई इतने दूर पीडी पे चल माइनिंग पे शॉट्स फायर नहीं आने आएगा ना वो सी4 हाँ सी4 लगा रहे तो वही सी4 का ही फायर ये जाता है अच्छा अच्छा हेलो आपने अब थोड़ी देर पहले कॉल किया था सर मुझे सिम्बा वाले राव किस कंपनी के बारे में आप कल आ सकते हो अभी थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ समझ रहे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आ जाओ आप कभी भी आ जाओ 8-9 बजे के आगे अगर अगर मैं ना रहूँ तो फिर अमय जी से मिल लीजिए ठीक बाय बाय आटो भाई एक को फोन लगा रहा फिर एक को लग के जा रहा के नंबर कितने रहे तुम्हारे दोनों के 120 100 अरे रिच लोग लग गए गई गाड़ी लेकर रिटर्न एक पिट में जाती है सर हे शौक दू कह रहे तेरे को क्या करने का ऑफ ड्यूटी नहीं गरबा खेलने जाते हाँ चलो तो थोड़ा सर से पूछ लेते हैं आजा ऑब्लिट जाते तो इधर मुपास भाई तो मुझे तीन बंदे आए तीन में से एक के पास पिस्तौल थी एक के पास हथौड़ा और एक के पास चाकू उसमें से एक का हां पिस्तौल थी उसमें से एक का नाम हैरी या फिर एरिक है हैरी एक के लेफ्ट हैंड पे अजीबोगरीब टैटू है लेफ्ट हैंड पे अच्छा वो नहीं ऐसा वो लाइक जैसे कि पेड़ की वो पत्तियां होती है बड़ी-बड़ी हां सांप जैसी पत्तियां हाँ वैसा टैटू है लेफ्ट हैंड के पूरे पूरे लेफ्ट हैंड पे ये दो चीजें सर लिख के लो मैंने उस टाइम पे सुना ये बात कर रहे थे तब और उन्होंने मुझे सेम वही चीज बोली कि तुमने हमारे आदमी को किडनैप करके लेके गया मैंने उनको बोला मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैं सोया हुआ था मेरी गाड़ी चुरा के लेके गए कुछ लोग और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है लेकिन वो बोल रहे और उनका जो साथी है उनसे फोन पे बात भी कर रहा था एट द सेम टाइम और वो बोल रहा था वो मुफासा ही था
मैं वहां पे भी सेम चीज बोल रहा था कि मुफासा नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी, मुझे बोला कि दोबारा अगर ऐसा कुछ किया तो फिर इसके ये बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं। और फिर वो मुझे वहां पे मेरा रेडियो उन्होंने तोड़ दिया और फोन देके चले गए। ओके अंदर आ जाओ, आपकी कंप्लीट ले, आ जाओ आ जाओ आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं मुझे ही क्यों हटो, ये फोन लेके जाओ, फोन लेके जाओ। वो मेरे भाई के भाई को उन्होंने लपड़ा किया है उनको पुलिस वाले। सर हम भी वही सोच रहे सर, क्योंकि हमने गन लाइसेंस अभी तक शहर में किसी को नहीं दिया है। सर गन देख के मैं इतना घबरा गया था, मुझे लगा कि अब आखिरी वक्त आ चुका है मेरा। हाँ सर, अभी तो मतलब हम भी शॉक हो गए कि जीरो क्राइम रेट है हमारे सिटी का और गन कहाँ से आ गई है, ये बड़ी सोचने वाली चीज। उन्होंने मुझे इतना भी कहा कि हम किसी से डरते नहीं, ये नहीं वो नहीं। मैंने बोला पुलिस को बताऊंगा, बोला पुलिस को बताओ नहीं तो किसी को भी बताओ, हमारी पहुंच ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा धमकियां ही दे रहे थे मुझे, और बस मारने की वगैरह धमकी नहीं दी, लेकिन उन्होंने बोला कि अगली बार ऐसा कुछ करोगे तो फिर उसका आपको भुगतना पड़ेगा। मैंने बोला मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं कैसे भुगतूंगा ये चीज़ें। आपको कहाँ से उठाया उन लोगों ने? ये अपने पुलिस स्टेशन के बाजू में जो शॉप है ना कपड़ों का, हाँ हाँ वहीं से उठाया। और कहाँ पर लेके गए आपको? मुझे बहुत दूर लेके गए, पलिटो के आसपास कहीं पे। पलिटो? जी हाँ। एरिक और क्या नाम बोला आपने? एरी या हैरी, उसमें से कोई एक नाम एरिक, है, हैरी या फिर एरिक, ऐसा कुछ नाम रहे। एरिक नाम के बंदे को मिल इस रेफरेंस के जो भी बंदे मिलते, और उनके डिस्क्रिप्शन कैसे थे, मतलब कपड़े कैसे थे उनके? और उन्होंने मास्क पहना हुआ था, एक ने हाफ चड्डी पहनी थी, उसके हाथ में हथौड़ा था। Okay. और एक जो है उसके टैटू था, बस इतना ही बताएं। सर हम उनको ढूंढ के जल्द से जल्द उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे सर। उनको मतलब हमें कुछ, मतलब कुछ रेफरेंस, कौन थे? कुछ रेफरेंस तो मिला है, कौन है कौन नहीं बंदे, अभी हम उसी के बारे में सोच रहे कि क्या कहां पे मिल सकते हो बंदे। बंडे मामा जी आप लेकिन सर ये कानून कानून मत लीजिए, हम देख लेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको जो इंटरोगेशन रूम में लेके गए थे ना वो जो लोग उन व्यक्ति, हाँ, हाँ, वो उधर से उनपे उनसे फोन पे बात कर रहा था और उधर बता रहा था मेरे बारे में, ये उन्होंने मुझे वहां पे बताया। और वो उन्हीं से बात कर रहा था और उन्हीं से पूछ, वो लोग उससे पूछ भी रहे थे कि तुमको किसने किसने उठाया, फिर वो मुफासा बंडे मामा ऐसे नाम ले रहा था, मतलब वही बंदा जो जिसने हमारी कंप्लेंट की है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये उन्हीं का दोस्त है, तो पहले उसको पकड़ के उसके दोस्त ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हाँ सर हम अभी उसी के रिगार्डिंग कर, अभी मेरे को तो लग रहा है सर वो सब लोग तो अभी शहर में नहीं होंगे शायद से इस टाइम, तो कल देखते हैं इस बारे में। आप आना पीडी पे, देखते हैं हम उनको ढूंढ के लेके आएंगे सेल्स में, आपको फोन भी कर देंगे बुलाने के बाद। जी 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 सही है सर, ठीक है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है तो मैं तो रूम पे जाता हूँ क्योंकि ये लोग मुझे फिर से पकड़ ना ले। नहीं सर आप चाहे तो, आपको मतलब सिक्योरिटी कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल दो आप। नहीं नहीं ठीक है अभी सिक्योरिटी, मैं कैसे, मैं डायरेक्टली चला गया ना, नहीं तो मेरे साथ कोई ना कोई रहता है। हाँ सर अभी थोड़ा सा मतलब आपके लोगों में ही रहो थोड़ा सा, मतलब समझो कि अकेले मिलोगे तो आपको सर सबसे बड़ी बात क्या है, उनके पास गन कैसे आई, ये सबसे बड़ी बात है सर। अभी हम कॉप है सर। लेकिन इंस्पेक्टर साहब वो शहर में नहीं होंगे ऐसा आपको क्यों लग रहा है, वो शहर में हो सकते हैं? नहीं सर हम कुछ कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना। अच्छा 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 हम ढूंढ रहे हो। ओके ओके ठीक है ठीक है, तो हम जाते हैं, कुछ हो तो बताना। जी जी श्योर। ओके सर टेक केयर इंस्पेक्टर साहब। सर कल कल मिलते हैं सर। जी 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 ऑफिसर उनको छोड़ कर गेट के पास। यस ऑफिसर चलो चलो। एक दो मिनट मुझे। यस सर यस। आह
अभी का इस किसने रिपोर्ट किसने लिख के लिया अभी? मैंने। कौन? आपका नाम क्या है? मल्होत्रा। वो वहाँ पे एसएसपी के इसमें हमने इसमें डाल दो रिपोर्ट में। यस सर, यस सर। कि उनके नाम क्या है, क्या है? मुझे कल ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं डाल देता। LC201 going 42. Good night guys. सर मेरे को दिख नहीं रहे चैनल्स। मैं दे दूंगा थोड़ी देर बाद। यस सर, मुझे भी दे। ठीक है ठीक, थोड़ी देर बाद मतलब कल दे दूंगा मैं, अभी तो निकल रहा हूँ। बिल्कुल सर, चलो हम भी जाते। चल आइए, देख कपड़ा चेंज करके इधर से जाते हैं। इधर 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 करने से रेडियो छोड़ दे सर। एक काम करना, कपड़ा पहनना अच्छे के आज। कपड़ा तो अभी रहने दो। क्या बोलते हैं? हाँ नहीं नहीं ऑरेंज था शायद आज। ऑरेंज 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 कलर नहीं इसमें। ऑरेंज है क्या? नहीं
हेलो हेलो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलो 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 दरबा खेलने जाना है दरबा चलना है गरमा ओए बिल्डर बोल तो रुको 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 गाड़ी देखो गाड़ी बैठो ना हेलो 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 आजे आजे अभी क्या इधर है रेमेट एक उनको रखना पड़ेगा सामान रिटर्न अच्छा अच्छा समझ गया बोलो बोलो क्या हुआ अरे ऑफिसर हो गया तुम हाँ बोलो ये ऐसे कपड़े अपडेट हम ओके अरे मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी गाड़ी नहीं दिख रही है ब्राइटनेस कमी कर कुटेस तू कौन से वाले इंपोर्ट ऐड गए थे ये पास वाले नहीं वो ब्राइटनेस कमी चाहिए रे वहां पे आ तगरी वाले स्ट्रीम का सका आला उधर भी नहीं नहीं उधर नहीं इंपाउंडेड बता रहा है और ये मोबाइल पे बता रहा है कि क्या अपना पिल बॉक्स पार्किंग पिल बॉक्स गैराज पे हां तो गैराज पे नहीं नहीं फास्ट गैराज पिल बॉक्स गैराज पार्किंग बता रहा है गैराज और स्टेटस जो वो इसका इंपाउंडेड बता रहा है हां तो एक तो हुक पे होगी या तो फिर ए वाली इंपाउंड लॉट पे होगी उधर दोनों में भी ये पीजे पास इधर भी है ना पीड़े उठा दे ना गाड़ी देखो कासी क्या बोल रहे क्या कर रहे हो क्या बोलना क्या बोलना कंप्लीट इधर आ इधर आ बोल रहे बोल रहे बोल रहे तू मालूम है तेरे को के कौन है रे तू तेरे से बोले तेरे आगे से टकला दे पूरा पीड़ी पे तू ये करेगा चांदपड़ी करके करेगा के आगे तेरे हाथ में मिसाल लगता है कौन है कौन हो आप तकड़े इंसान ऑफिसर हूँ पीड़ी क्या नाम है तुम्हारा राजू पटेल राजू पटेल डाला तुमको किराना स्टोर में कौन ना ले ओए 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 क्या बोल रहा ओ कोका जी पीएम के पास भी मेरी एक गाड़ी पड़ी हुई थी और मेरे पास भी थी ये आ जाओ विकी विकी आ जाओ ओके ओके इतना दादा ते या कुठे असते रे तवाला सामान सामान तवाला कुठे असतो आर्मरी द्यावा माहित नाही मला त्याला ते आर्मरी कुठे याला पेज भेटत नाही मला
हेलो किधर है? अरे एक दो मिनट में कॉल करता। अरे वो किधर रखता है सामान? वो ही तो नहीं पता, रुको रुको मैं आ रहा हूँ पीडी पे। आजा आजा पीडी पे आजा, चलो एसएसपी चलो। इधर रखता है वन ड्यूटी, जाओ ना पहले तभी दिखेगा। ऐसा है क्या? यस फिर आ जा। ए कितना पड़ेगा? इधर रहेगा अपने नीचे रहेगा शायद। इधर है, इधर 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 इधर। अच्छा इधर बस रेडी। रेडियो बोलो क्या रखना है अपना? 50x50 सकता है, लॉक कर दो। हेलो रेडियो 50x50 रखो। क्या बोल रहे हो? 50x50 रेडियो रखते हैं हमारा। 50x50 आ जा। हाँ आइए। किधर है? हाँ आप ही ना। सुने गए? ओके यस सर। आपके पुलिस स्टेशन के बाहर ही मेरे पे हमला हुआ था। क्या हुआ? कभी अभी थोड़ी देर पहले। एक सेकंड, बंदूक का नहीं नहीं मुफासा खान का जो सीन हुआ था ना। रुक एक सेकंड, थोड़ी देर पहले उनका नाम भी कुछ मालूम है क्या जिसने उठाया था वो? नहीं उठाया तो वो नहीं पता मेरे को, पर वो मिस्टर प्रोफेसर तुम्हारा उनके दोस्त। नहीं तुम्हारा नाम बताओ पहले। मेरा नाम जग्गू मियां है। हेलो हेलो। अरे गुलाबी जी आते भक्त उसका स्ट्रीम नहीं। आओ चल मेले। Thank you.
बोनस ना से नहीं देख किधर हो लेजन तू कहाँ पे आ रहा हूँ रुको आजा घूमते हैं हम सिविलियन बन के देखते हैं कोई क्या कर रहे हैं ले आया उसके इसका देखते क्या आ रहा है मेरे गैरेज पे आता लेजन गैरेज पे आ रहा ओ मंत्री साहब कैसे हो अरे मेरी गाड़ी पुलिस वालों ने इंपोर्ट की हुई है अरे स्टूडेंट है तो मिलेगी ना तुमको अरे सुनो ना अरे नहीं इनको बोल रहा राजा जी बोलो ये इनका इंपोर्ट में गाड़ी पर शायद पीडी ने इंपोर्ट की है मिलेगी वो इंपोर्ट में नहीं मिल पा रही है क्या हो रहा है नहीं मिल पा रही हूँ सीजी की हाँ सीजी ऐसे लग रही तो पीड़ी पे आ जाइए कल है ना चलो आप भी चलो बैठो चल मेरे पास गाड़ी है चल पीड़ी चलना है क्या चलो पीड़ी चलो रुको मैं गाड़ी निकालता हूँ गाड़ी निकालो सर रिपीटर सीज कैसे कर दी बे क्या क्या ऑफिसर्स ने सीज कर दिया हमारे क्या पता क्या चालू है रुक दो मिनट
सर जी दिख रहा है क्या? आपको दिख रही क्या सर गाड़ी? देखो दो मिनट अरे ऑन ड्यूटी गए क्या तुम? दिख रहा है? तो कल ही करते नाम बोलो तुम्हारा। बाजीराव मंत्री। मैंने लीजन गैराज पे पार्क किया था वो, तो मेरे को वहाँ पे दिखा रहा है गैराज पे गाड़ी, मगर वो इंपाउंडेड बाय पुलिस ऐसे बता रहा है उसमें। इनबाउंड में मिलेगी ना आपको? नहीं मिल रही ना सर, निकल नहीं रही है यहाँ पे इनबाउंड वाला। ओपी पी तो कौन सा इनबाउंड? पीडीएम के पास वाले मेरे पास। बैठा मेरे गाड़ी में बोलिए बोलिए सर। राजू सर वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपका पीडी में जॉब लग गया? यस सर। कांग्रेचुलेशन, वेरी हार्टली कांग्रेचुलेशन सर। थैंक्स 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 जी सर। थोड़ा सा केसेस बढ़ रहे हैं सर मेरे दिमाग पे भी सर, काफी सारे केसेस मेरे सामने देखे जा रहे हैं, लेकिन 911 करने के बावजूद पीडी पता नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं कर रही है। कैसे है मालूम है? सब ऑफ ड्यूटी है अभी, कल आना और पीडीएफ के सामने बताना। बड़े हस्तियों का नाम है सर, मुफासा और घनश्याम जैसे हस्तियों का नाम है सर। क्या हुआ है? किडनैपिंग केस हुई है, चल रही है, और लोकेशन पीडी को 911 करके बता दी गई थी और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं हुआ सर। रिस्पॉन्स हुआ, मुफासा जी आए थे पीडी पे? नहीं अभी अभी लेटेस्ट है सर, लेटेस्ट 10 मिनट भी नहीं हुआ। वापस मारा पे नहीं हो गया? वापस कुछ हुआ है सर, वापस बड़ा बड़ा किस्सा हुआ इस बार बोलता हूँ मैं। ठीक है एक और बार मैं ट्राई करूंगा। ठीक है सर, वो गन तो नहीं है उनके पास, बट वो पूरा पेट्रोल कर रहे एरिया को उन्होंने सिक्योर किया है। कोई भी सिटीजन वहां जाए ना उनको भगा दिया जाता है, बोलते हैं कि यहाँ पर खड़े ना। सर पलीटो बे की तरफ है लोकेशन सर, मैं आपको 911 कर पाऊंगा जैसे मैं पास पहुंचूं सर। लास्ट मेरा अटेम्प्ट होगा सर, इसके बाद मुझे शायद मार दिया जाएगा। ठीक है सर, लास्ट अटेम्प्ट है। थैंक यू सो मच। बोलिए बोलिए। पीडी खुला है क्या भी? बोलो ना क्या हुआ? नहीं वो मेरे भाई को फॉर्म भरवाना था। कल आना, कल अभी तो ऑफ ड्यूटी जा रहा हूँ मैं। ठीक है सर, पर बात अरे राजू वो गाड़ी का डिटेल बता रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इनको इधर लेके चलिए। क्या है उधर हमारा है क्या? इधर कुछ नहीं दिख रहा है। किधर हो तुम? पीछा है। आ जाओ रुको रुको मैं चेक करता हूँ।
पीछे हो गया जा मिल गया ओके उनकी गाड़ी है क्या वहाँ पे हाँ ये अलग ले जा थैंक यू थैंक यू इधर भी गाड़ी छोड़ो मत नहीं तो इंपाउंड होगी अरे नहीं वो दो दो निकल गई थी ठीक है ठीक है हॉट वायर करने बोल रहा है ठीक है चाबी दो क्या हाँ चाबी चाबी दो इनको और ये गैरेज में लगा के आओ चलो मेरे साथ मैं दिखा था बैठो गाड़ी में कैसे रहता चाबी 139 है मेरा पेपर अभी आपके सामने में लीजन पार्किंग में लगा था चलो आ जा गेट लगा के ले उसका हाँ लगा लिया विकी कहाँ पे? पीडी पीडी हाँ ऑफ ड्यूटी हो जाए अब ड्यूटी जा रहा हूँ फिर से ठीक है बहुत कॉल आ रहे नहीं तो इधर है तो एक काम करते हैं उसको बोलते हैं आओ सब पिक लेके आओ
अपने वो क्लर्क स्टाफ है, मेरे को हेड बदलनी है अंदर क्या हो। तो नाम क्या है? सुनो ना, हेलो, मेरा नाम राजू पाटिल तिमारा। क्या करते हो शहर में? हेलो, पुलिस वाला हो? रेडियो राजू जी, किधर है तू? अरे पीडी के अंदर आओ जल्दी, मैटर हो गया ड्यूटी के कंप्यूटर के पास। आप ओके क्या हुआ? हेलो जो उनके पीछे पड़े हुए थे, ठीक है? कौन कौन? वो थोड़ी देर पहले जो उनके लोग पीछे पड़े हुए थे ना, हाँ। उनके जैसे लोग दिखे उनको, तो बोले कि वो है। वो अभी बोल रहे कि मतलब हम क्या करें, वो अगर हम पे दोबारा हमला करे तो हम क्या करें। फिर मैं बोला कि हम हमारे हाथ बंधे हुए है, सीनियर ऑफिसर नहीं है यहाँ पे, तो हम इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले सकते अभी। कल करेंगे बोलेगा, तो वो ही बोला। मैं बोलते फिर हम क्या उनके सामने खड़े हो जाए, वो तुम मार दो हमको करके, या तो फिर हम उनको ये कर दे कि हम ही चक्कू लेके उनके पास चले जाए। मैं बोला कि आप अभी आप कानूनी तो कानून अपने हाथ में ना ले, ये एडवाइस दूंगा। तो बोलते अभी एक काम करते, उनके पास जाते, बोलते चाकू निकालो और मार दो हमको। हमें परमिशन नहीं है ना, वही ना। उनसे उनसे बात करते कि अभी ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा वो कुछ काम कर रहे हैं। हाँ सर, हेलो। यस सर, बोलिए। अरे वो ऑफिसर अभी अवेलेबल नहीं है, बड़े वाले ऑफिसर। सर काम कीजिए ना सर, हम सबको एक एक गन देके रख के डराने के लिए। बाकी वही काम कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले हुआ था ना गन का, वही काम कर रहे हैं, इसलिए बिजी है वो। नहीं नहीं, हमें तो फिर गन भी दे दो ना, हम भी सेफ्टी नहीं क्या बचने के लिए रख देते पास में। नहीं सर, उसी के ऊपर काम चल रहा है सर। क्या गन देने का क्या? लाइसेंस, लाइसेंस के ऊपर काम चल रहा है। लाइसेंस? नहीं 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 सर, वो अलग, थोड़ा समझ लो। अभी ये तो बोले लाइसेंस के ऊपर काम चल रहा है। वो कौन है? आप कौन हो? आप कौन हो भाई? बोलो ना, आप कौन हो? ऑफिसर हूँ। कौन सा ऑफिसर? ट्रूपर ट्रेन। अभी यूनिफॉर्म में नहीं है ऑफिसर, ऑफ ड्यूटी है। ऑफ ड्यूटी अभी, मान ले के आप दोनों ऑफिसर हो। आप चोर भी हो सकते हो, हमें डर के लेके बाहर किधर जाके लूट सकते हो। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कौन से हिसाब से पुलिस वाले लग रहे हो हमें? अरे वो हम डांडिया खेलने जा रहे थे, तब तक फंक्शन ही खत्म हो गया। वो तो सब ठीक है, बराबर है, तो इसीलिए कपड़े पहने थे। क्या हुआ? रेंज रोवर भी ले रही भाई। नाइस, बहुत पैसे वाले लोग लग रहे हैं। नमस्कार एरिक जी। अरे मैं एरिक जी नहीं हूँ यार, अति चाहिए मैं ड्रेक हूँ। अबे तो ये हेयर स्टाइल क्या करके आया तू चिंदी? अरे मेरा बाल तो ऐसा ही रहता है डैनी भाई, आपको पता है ना। ठीक है बदलता हूँ। मुझे फांस लेना है। नहीं एरिक जी, आपकी वेणी निकालो, मुझे फांस लेना है। अरे मैं ड्रेक हूँ यार। नहीं अरे वो डेरी के क्या है तुम्हारा? अरे अरे तुम ड्रेक नहीं, तुम ब्रेक मारो अपने जुबान को, ब्रेक मारो।
ड्रिक भाई बोलिए मिस्टर मुफासा जी कुछ नहीं मैं आपसे बेइंतहाशा प्यार करने लगा हूँ एरिक जी अरे मैं एरिक जी नहीं यार फिर भी मैं एरिक मान के आपको प्यार कर सकता मैं जान दे रहा हूँ अच्छा बोलिए काम क्या है काम कुछ नहीं है जब काम होगा तो मैं जरूर आपको कॉल करूंगा और हम मचाएंगे जरूर पर मुझे डैनी भाई बोले कुछ आपको बात करनी मेरे से अरे वो एरिक से करनी थी आप को अरे डेरिक नहीं अरे ड्रेक हूँ यार अरे ड्रिंक 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 वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ड्रेक जी हो अभी आप एरिक से जो बात करनी हो ड्रेक से कैसे कर सकते हैं बताइए आप दो मिनट साइड में आए मुझे आपसे बात करनी है प्लीज क्या बोल रहे हो सर आप दो मिनट गुफ्तगू करनी है आ जाइए आ जाइए अरे वो ऑफिसर सर किधर से आ रहे हो मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ दूर दूर तो कोई नाम होगा जगह क्या सुनना वो नाम होगा कोई जगह इसमें बैग में डॉक्यूमेंट्स है बहुत सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस चीज की सर आपके पास वारंट है मुझे बैग में क्या है पूछने के लिए वारंट बैग चेक करने के लिए वारंट थोड़ी लगता है हां तो लगता है ना मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसमें सब अच्छा सर जो वारंट सर जो वारंट है आपके पास सर वारंट है आपके पास ठीक है लेके आते हैं कल आते हैं आपके आज भी अभी बात कर रहे हैं अभी सीनियर ऑफिसर अवेलेबल नहीं ना हमारे हाथ बंद मैं क्या बोल रहा हूं अगर इधर बड़ा सा हमला हुआ तो क्या सीनियर ऑफिसर आने की राह देखोगे पुलिस वाले सर अरे हमें परमिशन नहीं है सर सुनिए समझ रहा है नाम क्या रहता है एक मैं एक टेररिस्ट को बुलाता हूं और इधर सब लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं परमिशन मिलेगा ना तब तक परमिशन नहीं मिलेगा आप उनको किसको मत बचाओ आज हमारा पहला दिन है और इसका अरे फिर खुशियां मनाओ डांडिया खेलो जाओ परमिशन मिलेगा ना परमिशन एक भी इधर दिखेगा नहीं क्रिमिनल ठीक है भाई तुम ठीक से घूमो बस बाकी कुछ नहीं देखो ना किधर भी ना हो पाएगा नहीं तो तुम्हारी बॉडियां मिलेंगी इधर इधर वहां पहाड़ी पे सिर्फ मिलने दो हमको अथॉरिटी एक टाइम था हमने बहुत कांड करके छोड़ दिए पुलिस सर जी देखेगा कौन आपका पहला दिन है आपके लिए आपका पहला दिन है शायद आप क्यों अपना आखिरी दिन बना रहे हो सर आप यहाँ पे मत दुश्मन मोड़ लीजिए आप बस आपकी ड्यूटी कीजिए और सर्वेंट है सर नहीं वही बोल रहा हूँ सर आप ड्यूटी करिए यस सर बिल्कुल इसे बताओ तो कि बैग में क्या है इसे डॉक्यूमेंट लेके घूमते हो यार क्या बोल रहे हो पानी थोड़े तुम बैग खोल के तो दिखाओ इनको सच्चाई साबित करो तुम्हारी अरे बैग खोल के दिखाने के लिए इनके पास सर्च वारंट तो चाहिए मेरे ऊपर अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं वारंट की बात नहीं हो रही यहां पे हम ऐसे ही बात कर रहे हैं एज अ नॉर्मल ये टकली बात हो चुकी है ये सारे टकले यहां पे कैसे अरे सर मैं ही हूं यार अच्छा अरे आप कितने कपड़े बदलोगे बॉडी द बॉय अरे सर कैसे वो करना पड़ता है मुझे घाम बहुत आता है गाड़ी चला के चलना तुम एक डायलॉग आया था लेकिन आप भी नहीं पूछते बैग में कपड़े लेके घूमते हो यस तो फिर दिखाओ ना कपड़े अभी ये पहना है वो कपड़े ही तो है वो नहीं बैग में से मुफासा जी वो बाजू वाले पुलिस वाले सर आपको बादाम दिखा रहे दिल दिखा रहे पट्टे के ऊपर का ये पुलिस वाले जी तो भाई एकदम रॉकस्टार है एकदम चील होके घूमते ये रॉकस्टार उनका पहला दिन है उनका ए बंडिया सुन ना गरुड़ा को कॉल करके देख जरा जिंदा है मर गया आरू नंबर दे रे लुक्की ओए सर्किट जी यस बोलो क्या है बैग में घाम वाले कपड़े ड्रग्स से भी डेंजर है ये बोल रहे
बॉडी गार्ड देखो कैसे हो? हाजिर ही हूँ बढ़िया कुछ इलाज है क्या? प्रोटीन विटिन? अरे क्या कर रहा है ये मिस्टर? कैसा लगा पहला दिन तुम्हारा? एकदम बढ़िया था। एकदम हेलो असल पानी सोड़े अरे दगड़ी दिसुजा कितनी बार आपको तुम्हारा फोन नहीं आया मुझे? नहीं हम लोग वापस वहाँ पे डालेगा चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। गाड़ी निकाला देखो ऐसा ये खरीद रहा हूँ मैं। खरीद रहे हो? हाँ यही का है। तुम के लिए निकाला तुम टेस्ट ड्राइव की गाड़ी तुम लेके घूम रहे हो? नहीं नहीं टेस्ट ड्राइव के लिए लेके आया था पर वो डालना भूल गया। ये तुम्हारा फोटो कॉपी कौन है क्या? वो पुलिस भी अब्बा सॉरी डैनी यू आर चिंदी प्लीज ओके आप चलो चलना है रुक चलना है कहीं पे राजी क्या 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 चल रहा है? कुछ नहीं आप बताइए क्या क्या मैं हूँ एक आदमी। कौन आदमी? तुम कौन हो? मैं ड्रेक। गाड़ी इतना महंगा कब लिया? ले लिया अरे मैं जा रहा हूँ सर काम के लिए ठीक है ठीक है तुमच्या नाकाला काहीतरी झालंय खप 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 सेम बोर्ड तुमने पूरा निकाल दिया थोडा चाटो तभी चाटो ये लो वैसे तुम पानी सोडे का फोटोकॉपी क्यों है? पानी सोडे के पास बटन है। पानी सोडे तुम भी खपड़ी निकालो दिखाओ दम दिखाओ नहीं नहीं दिखाओ तुम दिखाओ आज दिखाओ इनको नहीं दिखाना ये क्या है ऐप पानी सोडे स्टेटस का भी निकाल दे घर पे मेरे मेरे ऐप पानी छोड़े हाँ वो पानी छोड़े नहीं है उसका नाम सर्किट है सर्किट के आपके ऊपर तुम्हारा बटन है बटन हाँ। नहीं है वो बटन टैटू कम बटन लग रहा है नहीं वो बटन नहीं है वो फिर वो टेंगो है क्या है फैजल का नाम लगता है फैजल का अरे फैजल जी फैजल जी नमस्कार 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 ये अरे मैनेजर इधर आओ बोलो ना यार इधर आओ मेरा प्रमोशन हो गया है चलेगा क्या बात करो आ जाओ तुमको एक बता दो इंटर्न नहीं इधर अरे पार्टी नहीं अरे बाकी लोग रुक जाओ मैनेजर से बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजर इधर आओ कॉन्स्पिरेसी पता चले कॉन्स्पिरेसी इधर आओ अरे पीछे से एक आवाज दे रहा आगे से आवाज दे रहा बाजू से आवाज दे रहा मालिक है वो मालिक है मालिक आवाज दे रहा है वही बोल रहा ना मेरे को पर ये इतने जल्दी कैसे क्या होगा वो तो अरे मेहनत देख ली मेरी तो बोला चलेगा मालक चलेगा, ने बोला मुझे बोला। चलेगा इसे किधर जाना है देखते बाहर क्या चल रहा है इनका यहाँ पर आ रहा है तो बीडी को गाड़ी लेके आना तो फिर साइकिल को मेला लेके लेने आओ क्या उसका लोकेशन देखो प्लीज आप पूछो उनको कहाँ पे वो कॉल चालू रख चल तब तक तू पूछो क्या हाँ आ रहा है यार किधर है पूछो उसको साइकिल आ जा जल्दी ऐसा बोल रहा है साइकिल पे वो साइकिल पे इतनी देर लगती है क्या रे इधर ही रुको स्टेमिना बढ़ाओ अरे नहीं यार पर लीजन पे हो क्या अभी मतलब जो एक्सक्यूज मी सर सिगरेट मत पीजिए प्लीज ठीक है धन्यवाद ठीक है आ जाओ सेव मी
सिगरेट पसंद नहीं है तुमको? नहीं, मुझे एक्चुअली एलर्जी है सिगरेट के धुएं से। मेरे 7-8 डोज सिगरेट पी के ही मर गए कुत्ते की मौत। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने खुद मारा हूँ, इसलिए मुझे सिगरेट पसंद नहीं है। अरे, क्योंकि लोग मर जाते हैं सिगरेट से। हाँ, वो क्या? बोलिए। अरे वो किसी तो भी क्या रहा है यहाँ पर पुलिस से कुछ तो भी सीन हो गया। बॉडी बिल्डर जी थोड़ा बाजी हो जाइए। ओ एक बार बोला सिगरेट नहीं पीने का तो नहीं पीने का। पुलिस वाले को मार रहा है इसको ले। अम्मा, अरे ये क्या कर रहे हो आप? अरे होगा आप पुलिस वालों को मार रहे हो। अरे ये बंदा है ना टकला। हाँ सर बोलिए। हाँ टकला। अरे मैं उनको बोल रहा हूँ सिगरेट ना पिए, पुलिस स्टेशन है, सिगरेट पीना गलत है। तो वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं और फिर से सिगरेट पी रहा है, तो मैंने थोड़ा मारो फिर नहीं डाटो मत मारो गाड़ी निकल के आ रहा पार। मैंने सिगरेट रखा था पुलिस स्टेशन के सामने। सिगरेट पीना सिगरेट सिगरेट मैंने जेब में डाला था। भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा रहे हो। सिगरेट क्या पेटों के जेब में डाल रहे थे आप? बुझा के फेंक दिया उसको डस्टबिन में। देखो व्हाइट जैकेट वाले भाई साहब ये सिगरेट पी रहे हैं तो इनको समझाओ ना। ये यार कुराड़ी लेके डायरेक्ट वन साइड इसको समझाया था कभी कभी? अरे बाबा समझाया था कभी बोल रहा है वो कभी बोल रहा है। अरे एक मिनट बंडे आमा, मैंने समझा नहीं था इनको। फैजल जी इधर आओ जरा तुम। कभी कभी रुको मैटर सॉल्व करने दे। किधर? जिसको नहीं पसंद उनके सामने सिगरेट क्यों पीते? एक मिनट रुक जाओ मैनेजर। लोकेशन ठीक है ठीक है। मैंने बुझा के फेंक दिया था। वो चाकू ना रख लो गिफ्ट मेरी तरफ से। तो वही देना था। रख लो रख लो पैसे वैसे दे तो आधे। अरे बॉडी बिल्डर। अरे नागड़िया। अरे तू भोंगड़ा हक ले टका। मैटर चल रहा है क्या चल रहा है? तुम क्या तमाशा देखने आए इधर? जो रोको लोगों को यार, बॉडी किस काम की इतनी? वो व्हाइट वाले मार रहे इसको, रोकने का छोड़ के तमाशा देख रहे हो तुम बाजू में। ओए ग्रीन वाले। हाँ सर। तुम समाज सेवक मत बनो। वो वहाँ पे पीडीएम के बाहर सिगरेट पी रहा था, गलती कर रहा था। पीडीएम का मालिक है वो। पीडीएम का मार हम समझाते हैं। पीडीएम के अरे मैं उसको वार्निंग दे रहा था कि गलत कर रहे हो, तो वो एटीट्यूड दिखा रहा है। तो उसको बस डांटा मैंने और गलती से कुरार निकली। एक्चुअली कुरार उल्टे पकड़ के मारा। डांटना ऐसा है तो तुम क्या करोगे आगे? अरे बट ऐसा गलत है ना, सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है, जान जा रही है। अरे तो तुम जो निकाल के डाल रहे हो वो भी हानिकारक है हेल्थ के लिए। अरे फिर एक काम करो, वो हेल्थ के लिए वो लकड़ी तोड़ने के लिए। मेरी घर पे चूल्हा है ना वो। चलो ठीक है ठीक है, माफ कर दो उसको। उसका एक हेडफोन भी गिर गया 10,000 रुपए का। अरे सॉरी सॉरी सर, लेकिन सिगरेट मत पीजिए नहीं तो मुझे बुरा लगता है। उनके डिपार्टमेंट के सामने उनको मार दिया। अरे पुलिस वाला है? गरीब पीड़ित पुलिस वाला। ए तुम पुलिस वाले हो? हाँ, इसका इंजाम कल भुगतना पड़ेगा। एक सेकंड, अगर आप पुलिस वाले हो तो फिर इल्जाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप पुलिस वाले होके सिगरेट पी रहे हो नॉर्मल से सिविलियन के बीच में, और ये अलाउड नहीं है सर। ऑन ड्यूटी हो, आपने पहले गलत चीज की है। डुप्लीकेट सिगरेट खाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे साथ आप भी चलोगे। व्हाइट वाले भाई साहब, डुप्लीकेट सिगरेट। पहले तुम्हारा नाम क्या बताओ? काबू कैसे खाते हैं? क्या नाम है? काबू क्या मिठाई क्या बे? जो भी है वो मैं तो मैटर चल रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ। बुराड़ खाल ले ली मानो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोपी वाला। तू पुलिस वाला है? पुलिस वाला नहीं है। अंडे लाया अपने? अरे झगड़ा क्यों चल रहा है? क्यों मारामारी कर रहे हो? अरे पुलिस वाले ने कल मेरे को ठगा था, बोलता है पुलिस वाला मेरे से 500 रुपए ले लिए। यही लग रहा हूँ। उठो इसको, कुराड़ कहाँ है दो तुम्हारी? हो व्हाइट वाले गाड़ी निकल, हमारे गाड़ी निकल। चले चले चले। इधर बैठा है क्यों? चल। मैं बैठ क्या? इधर है वो मुपास के पास ले। अरे मेरे को समझ में नहीं। डैनी भाई। क्या मैं मिल उतर आए? अरे किधर है डैनी भाई? मुपास के पास ले। इधर है ऊपर है। बोल देगा कुछ तू? चल नहीं रे बाबू, उनका आदेश मैटर चल रहा है। फैजल के पास ले। रुक 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 रुक, ये नल्ला
ए गुलाबी अब बोल किधर जा रहा है अबे यार तुम किधर गाड़ी किसकी है गाड़ी गाड़ी किसकी है ये बता ये गाड़ी मैंने चोरी की है बेटू हमारी गाड़ी बेटू आओ अच्छा आ रहा हूं अबे तेज गाड़ी आगे ले थोड़ा बैठ बैठ सीटर है ये और बस ऐसे घूम रहा हूँ यार लोग ढूंढ के रिश्तेदारी बनानी पड़ रही था पे अच्छा नाम क्या तुम्हारा हमारा नाम है श्याम भाव गुलाबी ये क्या काम चल किसी का घोड़ा नीचे गिर गया श्याम टकला कौन है ये हमारे दोस्त है इनका नाम टोपी वाला है टोपी नहीं दिख रही वो अभी निकाल के रखे उन्होंने कुछ करो ना तुम यार क्या करेगी कुछ करो यार मार पीट यार बदमाशिया को तुम करते हो अरे नहीं कर रहे हम शहर कहाँ गए कुछ इलीगल काम करते हो बताओ हमें अच्छा हम तुम ये समझे हो क्या तुमको क्यों भाई हम भी तुम पीढ़ी ज्वाइन की हो हमको पता नहीं क्या कभी जापड़ दूंगा इधर से उधर जो उधर को पटक के जाएगा अरे हम पीडीबीडी में नहीं है पीडीबीडी में नहीं आप ड्यूटी है हमसे हम ट्रैक ट्रैक बोला मेरे को सब कुछ सुना दिया उसने सारी कहानी बता दी ट्रैक अच्छा ट्रैक भी बता दिया हां कि हम अपन दो नहीं रह गए बाकी सब लोग ने भाई रिश्तेदारी बदल दी अच्छा तो कहीं आज के लिए इतना ही काफी कल मिलते हैं अपन गुड नाइट बाय बाय टेक केयर Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Heading to